हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबडी गुड इवनिंग आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह बायोलॉजी एजुकेटर एंड वेलकम टू एन अकेडमी नी टॉप फर्स्ट चैनल और आज हम खत्म करने वाले हैं कॉकरोच इन वन शॉट एक शॉट में ही एक ही सेशन में हम कॉकरोच खत्म कर लेंगे एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल आप कैसे हैं क्या आप लोग सब बहुत एक्साइटेड हो कॉकरोच पढ़ने के लिए कॉकरोच को कौन पढ़ना चाहता है ना मैम कॉकरोच तो अच्छा ही नहीं लगता है मैम पहले आपने फ्रॉग पढ़ा दिया अब आप कॉकरोच पढ़ा रहे हो यार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दिस इज नॉट गिवन इन योर न्यू एनसीआर टी ठीक है देखो मैं पुरानी एनसीआर टी लेकर आई हूँ क्योंकि नई में तो ये है ही नहीं अब लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग आपको कॉकरोच करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया था कि भाई फ्रॉग है ना फ्रॉग और ब्रैकेट में इंसेक्ट देन उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया कि फ्रॉग तो करना ही करना है लेकिन आपको एक इंसेक्ट का भी एनाटमी मॉर्फोलॉजी करनी है एड इंसेक्ट कौन सा है हमारे पास दैट इज कॉकरोच तो आज हम इस ब्यूटीफुल से इंसेक्ट की बात करने वाले हैं हाँ जी किस किस को अच्छा लगता है हाँ यस ओके मैम फिर आता हूँ <laughs> <laughs> नहीं भाई इतना इतना भी तुम्हारे ऊपर कहर नहीं बरसेगा है ना सो यह लाइव फटाफट से बता दें सबको कि भाई हम लाइव आ चुके हैं लेट्स टेल एवरीबडी ओके डन लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चो तो तुम्हें मैं रख लेती हूँ सामने तुम्हें मैं अपने सामने रख लेती हूँ है ना जी यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग भी हो रही है यहाँ पर अच्छा नहीं गुड इवनिंग ही कर रहे हैं चलो यस <laughs> yes. हाँ 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 ओल्ड एन भी मैं आपको शेयर कर दूंगी मैं आपको एनसीईआरटी भी शेयर कर दूंगी और हम नोट्स भी बना लेंगे तो आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं मैं आपके साथ एन भी शेयर कर दूंगी और मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगी ओके बच्चे टेलीग्राम पे सब कुछ शेयर हो जाएगा राइट एवरीबडी ठीक है ओके, ओके ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कॉकरोच की बात करेंगे कॉकरोच की बात करने से पहले आपकी फ्री टेस्ट सीरीज आ रही है बायोलॉजी की जिसमें कल आपका टेस्ट हो रहा है आ रही है क्या आ ही चुकी है इसके टेस्ट आपके होते रहते हैं ऑल्टरनेट संडे को इस संडे को आपका टेस्ट होने वाला है साढ़े चार बजे कौन से यूनिट का टेस्ट रखा है मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली यूनिट जिसमें आप माइक्रोव भी करते हैं जिसमें आप डिजीज करते हैं है ना वो सारा का सारा ये पूरी यूनिट आपकी कल आने वाली है साढ़े चार बजे एंड दिस इज अ फ्री टेस्ट सीरीज फ्री है बिल्कुल फ्री है लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी ठीक है चलो लिंक में आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी एवरीबडी यस ओके एंड द लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज अन अकेडमी का बर्थडे आज अन अकेडमी आठ साल का हो गया तो अन अकेडमी इज एट इर्स नाउ एंड डू लेट मी नो बच्चे कि आपको आनअकैडमी के साथ तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ तुम पढ़ रहे हो कमेंट्स में ना मुझे ज़रूर बताना कि मैम हमें एक ये चीज़ है जो बहुत ही खास लगती है मुझे भी जानना है मुझे भी जानना है ठीक है यस ओके एंड यस ये देखो <coughs> 2015 में दिस आने अकेडमी वो स्टार्टेड है ना फिर तब 2017 में वन मिलियन लर्नर्स हो गए दो हज़ार आया बच्चा तब ये यूनिकॉर्न बन गया ठीक है दो आया तो वन बिलियन प्लस मिनट्स आपके अन अकेडमी पे बच्चों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिए और 2022 में आठ लाख एक्टिव सब्सक्राइबर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं 2023 में बच्चे जो सेंटर्स थे उनका काफी ग्रोथ हो गया एंड वी नाउ हैव थर्टी टू थाउजेंड विद अस यस चले जी हैप्पी बर्थडे हो गया है ना चलो मुझे जरूर शेयर करना कि आपको क्या एक कौन सी चीज है जो तुम्हें लगती है कि वाह मजा आ जाता है मैम मजा आ जाता है मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको सबसे ज्यादा अच्छा फीचर तो वही लगता होगा जो स्पेशल क्लास पे हम लीडर बोर्ड वगैरह जनरेट कराते हैं आपका एनालिसिस हो जाता है तुरंत आपको पता चल जाता है कि कितने सेकंड में आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा कितने बच्चे आपसे आगे आप हैं अगर मैं एक लर्नर होती अगर मैं एक स्टूडेंट होती तो मुझे वो वो सबसे अच्छा लगता मुझे वो काफी अच्छा लगता है ना चलो यस यस yes, चलो तो बच्चे अब हम शुरू करते हैं कॉकरोच को कॉकरोच को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें हमें पता होना चाहिए कि कॉकरोच का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है है ना कॉकरोच का क्लासिफिकेशन क्या है कॉकरोच एक एनिमल है तो किस में आएगा किंगडम एनिमेरिया में आ जाएगा कॉकरोच एक इंसेक्ट है तो किस में किस फाइलम में आएगा बच्चे इट विल बी अ पार्ट ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा ठीक है और कॉकरोच इंसेक्ट है तो उसका क्लास इंसेक्टा हो जाएगा जीनस क्या है ये कॉकरोच को कॉकरोच तो हम बोल देते हैं कॉकरोच है कॉकरोच है लेकिन यार इसका साइंटिफिक नेम क्या है इट इज इजा एंड इसका स्पीशीज क्या है अमेरिकाना ठीक है तो ये सब बच्चों को याद होना चाहिए और इसके साथ साथ मैं कुछ और बेसिक सी चीजें और बता देती हूँ इसके बारे में कि भाई इसका साइज कितना होता है मैम इसका कलर क्या होता है अब कलर भी बताना पड़ेगा क्या कॉकरोच का तुमने देखा नहीं है कॉकरोच को देख देखे कितने बच्चे चीख मारते हैं पहले तो ये बता दो मुझे पहले तो ये बता दो यस पहले तो ये बता दो मुझे यस हाँ जी बोलो बोलो मैम टेलीग्राम पे अलग और यूट्यूब पे अलग लगती हैं हाँ बच्चे यहाँ का कैमरा अलग होता है फ़ोन का कैमरा अलग होता है और क्या फ़र्क पड़ता है कैसी भी लगती हूँ मैम है ना उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है करेक्ट हाँ जी ग्रीन कलर का होता है हाँ जी ये अलग अलग कलर का हो सकता है लेकिन हम बात करेंगे अपने कॉकरोच की जो कॉकरोच हम घरों पे देखते हैं आपके घर में कौन सा है <laughs> मी 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 चलो अच्छा ठीक है तो कॉकरोच मुझे भी थोड़ा सा डरावना लगता ही है मैं कॉकरोच को कभी मार नहीं पाती हूँ मैं हमेशा किसी को बुलाती ही हूँ अपने घर में कि <laughs> कॉकरोच है ठीक है रोची आ गया रोची रोची आ है तो रोची को मारना पड़ेगा अब रोची को मारना ही पड़ता है बच्चे बिकॉज कॉकरोच अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है यस yes, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम बीमार ना पड़ो क्योंकि ये रात को हमारे घर में बाहर आते हैं ठीक है जो वो ना ड्रेन पाइप होता है वहां से निकल के बाहर आते हैं और इसलिए ना बहुत ज़्यादा सफाई रखनी बड़ी जरूरी है बहुत सफाई रखनी बड़ी जरूरी है ये बाहर आते छोटे 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 टुकड़े होंगे ना खाने के लाइक वेरी स्मॉल माइन्यूट उस पर भी अपने वो एंटीना ले लेके ऐसे 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 करके आ जाएंगे सूंघते हुए आ जाएंगे और फिर वहीं पर तुम्हें बीमारियाँ फैला के जाएंगे बर्तन के ऊपर टिक 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 करके चलेंगे बीमारियाँ फैला के जाएंगे तो यू विल हैव टू आई एम वेरी सॉरी बट मारना पड़ जाता है उसको यस मारना पड़ ही जाता है ठीक है चलो हाँ जी यस yes. हाँ हाँ ठीक है तो आ, मुझे भी डर लगता है मुझे भी डर लगता है ठीक है मुझे लाइक like, ऐसे डर नहीं लगता लेकिन जब वो उड़ने लग जाता है ना तो मुझे जरूर लगता है कि ये पता नहीं कहाँ जाके बैठेगा तब तो वो काफी डरावना हो जाता है ना जब उड़ता है तो देन देन इट बिकम्स मोर क्रीपी राइट चलो तो हम साइज की बात करते हैं वॉट इज द साइज बच्चों वॉट इज द साइज क्या साइज रहता है साइज बहुत छोटू सा इतू सा रहता है ना ये इतू सा रहता है छोटू सा रहता है है ना एनएमसी <laughs> वाले बच्चे जो भी कर रहे हो हम तो पूरा तैयार रहेंगे हम पूरा तैयार रहेंगे चलो चलो यस थर्टी फोर टू फिफ्टी थ्री एम एम लॉन्ग राइट छोटू सा होता है लेकिन डरा देता है ठीक है जी कलर कैसा होता है बच्चे कलर होगा आपका ब्राउनिश रेड ब्राउन लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी इलाके हैं ऐसे रीजन है जहाँ पे आपको बहुत ही चटकीले कलर का भी ये जो अपना कॉक्रोच है वो मिल जाएगा सो so, ब्राउन या फिर ब्लैक होता है ब्राउन और ब्लैक ठीक है ब्राउन और ब्लैक हमारे स्कूल में तो हमें प्रोजेक्ट भी मिलता था कि तुम्हें कॉक्रोच को पकड़ के लेकर आना है तो वी यूज टू यू नो कैप्चर दैट कॉकरोच और हम एक बॉटल में रखते थे फिर उस बॉटल का जो ढक्कन होता था उसमें छोटे छोटे से छेद भी कर देते थे ताकि वो मरे ना सो so दैट फिर मैम हमें बताती थी कि ये ये चीज़ है ये ये चीज़ है उसके माउथ पार्ट भी तो बताते थे काफी है ना काफी दिल को दहला देने वाली बात ओके चल ठीक है आ जाओ बच्चों फिर उसके बाद हम मैं जरा ना आपके साथ एनसीआर भी साथ साथ मैं डिस्कस करती चलूंगी देखते हैं चलो पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने अभी यही वाली बात डिस्कस करी है कॉक्रोच आर ब्राउन टू ब्लैक Bodied animals that are included in class Insecta of phylum Chordata. Brown, brown Bright yellow, red and green color cockroaches have been reported in tropical regions. Yes, हरे रंग के भी हो सकते हैं मैं बोल रही थी ना एकदम चटकीले रंग के जैसे कि येलो रेड ये भी आपको कहाँ से मिल सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन से मिल सकते हैं लेकिन जो हमारे घर में मिलता है वो कौन सा है वो जनरली uh, आपका ब्राउन कलर का होता है या फिर रेड कलर का रहता है द साइज रेंजेज फ्रॉम वन फोर्थ इंचज़ टू थ्री इंचज मतलब जीरो पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर टू सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एंड हैव लॉन्ग एंटीना इनका एंटीना काफ़ी लंबा रहता है जिससे ये खाना को यू नो सेंस करते हैं कि भाई अच्छा खुशबू 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 सेंस करते हैं और फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वो दैट कंसील हेड ठीक है दे आर नॉक्टर्नल कब निकलते हैं रात को निकलते हैं omnivores है कुछ भी खा लेंगे यार हमारी तरह है मतलब ये फ्लैश भी खा लेंगे ये प्लांट बेस्ड डाइट पे भी चलते हैं ये एनिमल बेस्ड डाइट पे भी चलते हैं ये कुछ भी खा लेंगे मरी हुई जो चीज होती है उसको कॉकरोच ही खा रहा है इनफैक्ट ये अपने भी साथियों को भी खा लेते हैं कॉकरोच कॉकरोच को भी खा जाता है ये yes, ये yes. अब कैसा लगा ये सुन के ये सुन के कैसा लगा हाँ चलो ठीक है चलो यस yes, तो कॉकरोच काक्रोच को भी खा जाते हैं और कहाँ मिलते हैं बच्चे छुपे होते हैं जो क्रेविसेज होते हैं ना हमारी जो घर की छोटी छोटी सी कहीं पे क्या होता है अगर घर में बहुत पुराना हो गया तो वहाँ पे दरारें सी आ जाती है उसके अंदर छुपे रहते हैं और तुम ध्यान से देखोगे ना अगर तो उसके अंदर उनके अंडे भी होंगे ऊथिका नॉट अंडे ऊथिका होगे उसके अंदर उनके एग्ज होते हैं ठीक है जी चल दे हैव बिकम रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वैक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस तो इनको बहुत प्यार करने की जरूरत नहीं है ये खतरनाक होते हैं आ जाओ भाई अब हम बात करेंगे पेरी प्लेनेटा अमेरिका ना क्योंकि हमें सारी बातें पेरी प्लैनेटा अमेरिका ना की ही पढ़नी है उसी की याद करनी है जो हमारे घर में वो बड़े वाला कॉकरोच मिलता है कितना है मैंने अभी लिखवाया आपको 34 फोर टू फिफ्टी थ्री लॉन्ग है बच्चे इसके जो विंग्स हैं मेल्स में जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन के भी पार चले जाते हैं उसको भी एक्सटेंड हो जाते हैं अच्छा ये सब से पहले ना पहले तुम ये समझो कि इसकी जो बॉडी है उसको हम तीन चीज में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है जो इसका पूरा का पूरा बॉडी है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक होगा हेड एक होगा बच्चे थॉरिक्स और एक होगा एबडोमिन यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ठीक है ये देखो ये छोटू सा इसका हेड है इसके पास नेक भी होता है इसके पास यहाँ नेक भी होता है जो कि इसके पीछे छुपा हुआ है और ये क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी ये हेड है यहाँ नीचे अंदर इसके पास एक छोटी सी नाजुक सी गर्दन भी होती है जिसको हम तुम्हारे केस में जो गर्दन है सर्वाइकल ठीक है तो इसके केस में हम क्या बोलते हैं सर्वाइक्युलम छोटी सी है ना, नाजुक सी लिखेंगे सब कुछ तो ये हो गया आपका हेड दिस पार्ट इज बच्चे थॉरक्स ठीक है ये वाला पार्ट आपका थोरिक्स हो गया ये वाला जो पार्ट है है, ना ये हुआ है है वो छे सेगमेंट से बना हुआ है सर पे तुम्हें आंखें दिख रही हैं सर पे तुम्हें एंटीना दिख रहा है ठीक है तो सर पे तुम्हें आंखें दिख रही है और एंटीना दिख रहा है तो मैं हर एक चीज ना ऐसे ही डिवाइड करने वाली हूँ हेड में हम क्या चीज पढ़ेंगे थॉरेक्स में हम क्या चीज पढ़ेंगे और जो एबडोम है उसमें हम क्या चीजें देखते हैं तो तुम देखो हेड में अपनी आंखें आ गई ठीक है कंपाउंड आईज होती हैं इसकी, इसके पास भी होती है वैसे और एंटीना आ गया राइट सेंसरी ऑर्गन्स आ गए फिर अगर मैं थॉरेक्स की बात करूं तो थॉरक्स को तीन में डिवाइड करा हुआ है तीन में डिवाइड करा हुआ है बच्चे यू हैव यू हैव मिडल वाला आपका मीजोथॉरेक्स है उसके बाद वाला मेटाथोरेक्स है एंड यू ऑल्सो है तो तीन में हमने डिवाइड कर दिया है द हैज बीन डिवाइडेड ठीक है जी चलो और ये जो ऊपर एक तुम देख पा रहे हो ना ये जिस जो मैंने बोला कि गर्दन भी है यहाँ पे लेकिन गर्दन दिखेगी नहीं तुम्हें कभी भी गर्दन यहाँ पे है बच्चे लेकिन तुम्हें दिखेगी नहीं कवर्ड है ढकी हुई है एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोथोरेक्स भी ढका हुआ है

इन केस ऑफ वी वी हैव हैव सेगमेंट्स दस सेगमेंट्स मेरे एबडोम में तो दस मेरे एबडोम में है तीन मेरे थोरक्स में है और छह मेरे हेड में है ये बेसिक बेसिक सी चीजें चीजें हैं बेसिक्स basic लिखेंगे भी लेकिन साथ साथ देखते भी रहते हैं ठीक है लिख भी लेंगे साथ साथ देखते भी रहते हैं अब एक बड़ी मजेदार बात है कि इसके पास तीन टांगे हैं और इसके पास चार विंग्स हैं ओ सॉरी छह टांगे हैं मतलब तीन पेयर हैं तीन पेयर हैं और इसके पास छह टांगे हैं ठीक है तीन पेयर मतलब और भाई चार विंग्स है मतलब दो पेयर है तो मैम ये कैसे देखो यार जितना भी आपका जो ये थॉरेक्स रीजन था ना प्रोथोरिक्स था मीजोथोरिक्स था मेटाथोरैक्स था सबसे एक 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 पेयर टांग का निकल रहा है ठीक है सबसे एक एक पेयर लेग का निकल रहा है ऑल राइट लेकिन जो आपके विंग्स हैं ना बच्चे जो आपके विंग्स हैं विंग्स आपके मीजोथोरैक्स से निकलते हैं और मेटाथोरिक्स से निकलते हैं क्स से ये वाले विंग्स निकलते हैं जो हमें दिखते हैं कॉकरोच के जो विंग्स हमें दिखते हैं ना वो वाले जब वो चल रहा है जब वो वॉक कर रहा है ना जो विंग्स आपको दिखते हैं दीज आर द विंग्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द मीजो ये उड़ने के लिए नहीं है ये तो काफी हैवी होते हैं भारी होते हैं लेदरी होते हैं ठीक है स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बचाते हैं किसको बचाते हैं इस विंग को बचाते हैं आपने कितने बच्चों ने देखा है कि जब तुम कॉकरोच के पीछे भागने लग जाते हो ठीक है तो कॉकरोच डर के उड़ भी जाता है अब जब डर के वो उड़ता है तो ये वाले पंख खुलते हैं या नहीं खुलते हैं और उसके अंदर से नाजुक से मेम्रेनस ट्रांसपेरेंट से विंग्स दिखते हैं तुम्हें वही विंग्स हैं जो उड़ने के काम आते हैं दीज आर हाइंड राइट और ये जो सॉलिड विंग्स हैं जो प्रोटेक्शन के काम आते हैं इनको हम टेगमिना बोलते हैं वी विल राइट डाउन एवरीथिंग ईच एंड एवरी थिंग वी विल राइट डाउन ठीक है हाँ चलो जी तो ये ये क्या है ये है फ्लाइंग कॉकरोच और ये क्या है ये है वॉक करता हुआ कॉकरोच ऐसे समझ लो वो जो दिखाते हैं ना कई बार तुमने थंबनेल पे भी देखे होंगे कि बिफोर एंड आफ्टर बिफोर तुम सैड थे आफ्टर तुम खुश हो गए तो दिस इज ये आधा वाला पार्ट तो समझ लो जब वो वॉक कर रहा है ये आधा वाला पार्ट कब है जब उसने उड़ना शुरू कर दिया है अब तुम्हारी खैर नहीं ठीक है अब तुम्हारी खैर नहीं चलो अब बच्चे इसको नोट्स में लिखेंगे इसी बात को मैंने थोड़ा सा पहले लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम हमें कम लगे आ जाओ तो बॉडी को हमने किसमें डिवाइड करा सर में थॉरेक्स में और एब्डोमेन में किसमें डिवाइड करा बच्चे हेड में थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में और मैंने हर एक चीज लिख दी है कि, कि कितने सेगमेंट होते हैं सर में यू हैव सिक्स सेगमेंट हेड में सिक्स सेगमेंट से हेड बना हुआ है थॉरेक्स तीन से बना हुआ है एब्डोमेन आपका दस से बना हुआ है दस सेगमेंट से बना हुआ है ऑल राइट right. अब सर में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी जो बताई थी वही यहां पे लिख दी आंख होगी सिंपल आई होगी कंपाउंड आई होगी दिस इज कंपाउंड आई आई दिस इज सिंपल आई। मैं इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं ठीक है आई विल डिस्कस इन डिटेल ठीक है जी आ जाओ ये तो हमारे पास आई होगी सिंपल आई होगी विच इज ऑसिलाई एंड कंपाउंड आई, आई होगी बच्चे देखो जो ऑसिलाई ना मैं आपको यहां दिखाती हूं ये देखो ये देखो ये ये सारा ना मैं हेड को पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं देखो हेड पे क्या है यू हैव कंपाउंड आई एंड यू हैव ऑसिलस इज सिंगर ऑसिलई इज प्लूरल तो दो आंखें हैं तो ऑसिलाई बोल देते हैं तो ये वाली जो आंख है ना इसका काम देखने का नहीं है इसका काम क्या है लाइट को सेंस करता है देखने का काम इसका है ठीक <coughs> है देखने का काम कंपाउंड आई का है और ये देखो कैसे यहां पे आपके एंटीना भी प्रेजेंट हैं विच आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ठीक है सॉकेट में एम्बेडेड है ठीक है देखो ऐसे धसे हुए हैं धसे हुए है। और कैसे इनके पास ना कम से कम दस से बारह ये सेगमेंट्स में देख रहे हो तुम देर आर सम समेन टू ट्वेल्व सेगमेंट जिससे मिलके तुम्हारा एक एंटीना बना हुआ है सो विल टॉक अबाउट एवरी थिंग डो नॉट वरी वी विल टू बी टॉकिंग अबाउट एवरी थिंग आ जाओ एंटीना है एंड माउथ है ऑब्वियसली यार माउथ तो है ही ये देखो यहाँ माउथ नहीं है क्या सर में और सर देखो कैसा है कॉकरोच का हमारा सर ऐसे है कॉकरोच का सर कैसे होता है ये कॉकरोच की बॉडी और ये उसका सर है देख रहे हो ये कॉकरोच की बॉडी और ये उसका सर है कैसे है नीचे की तरफ है और ट्राइ होता है 90 डिग्रीज पे रहता है तुमने देखा भी होगा कॉकरोच को ऐसे 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 आंखें यहाँ हैं यहाँ पे आंखें हैं यहाँ पे एंटीना है लेकिन मुंह उसका यहाँ पे है राइट ठीक है चलो मैम ये इतने सेगमेंट्स का क्या करते हैं <laughs> हम सब सारे सेगमेंट की बात करेंगे हर एक सेगमेंट की बात करेंगे बच्चे एंड ऑल्सो सेगमेंट से याद आया कि ये आर्थोपोड है तो यहां पे सेगमेंटेशन होता है सेगमेंटेशन क्या होता है मेटामेरिज्म क्या होता है जहां पे आपके आ, कुछ चीजें रिपीट होती रहे और जरूरी नहीं है कि वो सेम चीजें रिपीट हो कुछ चीजें भी रिपीट होंगी तो भी हम उसको क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे सेगमेंटेशन है राइट ठीक है चलो ऑल राइट right. तो देखो हेड बच्चे मैंने क्या बोला था कि कनेक्टेड है विद द विद्स विद द हेल्प ऑफ अ नेक तुम्हारी नेक में यहां क्या रहता है सर्वाइकल रहता है है ना सर्वाइकल रहती है ना इसकी बेचारे की छोटू सी है तो हमने सर्वाइक्यूलम बोल दिया हमने क्या बोल दिया सर्वाइक्यूलम बोल दिया तो थॉरेक्स में आपके तीन सेगमेंट है और यहां पे हमें क्या मिलेंगे विंग्स मिलेंगे लेग्स मिलेंगे सबको डिटेल में करेंगे लेकिन अभी सिर्फ एक सुपरफिशियल ओवरव्यू देख रहे हैं कि कहां पे कौन सी चीज है जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स एबडोमिन में क्या होगा दस सेगमेंट्स हमें मिलेंगे कौन से सेगमेंट में क्या होगा हम देखेंगे कौन से सेगमेंट में ओवरीज होती है कौन से सेगमेंट में टेस्टीज होती हैं ठीक है ठीके? कौन से सेगमेंट में आपका कौन से और डिफरेंट पार्ट होते हैं वो भी देखेंगे राइट बाकी चीजें तो बच्चे एबडोमन में होंगी लेकिन और कौन सी खास चीजें हैं जो हमें एबडोमन में पता होनी चाहिए एनल सरकाई एंड एनल स्टाइल एनल स्टाइल इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स इन केस ऑफ मेल्स एनल स्टाइल इज प्रेजेंट तो मतलब यहां पर सेक्शुअल डाइमोरफिजम भी है करेक्ट एनल सरकाइक है दीज आर सेंसरी स्ट्रक्चर ये वाइब्रेशन को सेंस uh, करते हैं ठीक है वाइब्रेशन को सेंस करते हैं कॉकरोच को पता चलता है अच्छा कोई आ रहा है अच्छा कोई आजू बाजू में कुछ हलचल हो रही है एनल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉक्रोच मेल तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सिर्फ मेल में होते हैं तो देर इज सेक्शुअल डाइमोरफिजम ठीक है कहाँ होंगे कैसे होंगे वो हम बाद में बात करेंगे अभी सिर्फ मैंने एक जनरल आपको ओवरव्यू दिया है क्योंकि मैं एक साथ आपको सारी चीजें नहीं करवाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे बच्चे तभी याद रहेगा तो अभी हमने क्या करा देखो कितना सिंपल सी बात है हमने क्या सीखा कि बॉडी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हेड थॉरिक्स एबोमेन ठीक है हेड को फर्दर हम छे पार्ट्स हेड इज अगेन मेडअप ऑफ सिक्स पार्ट ठीक है सिक्स सेगमेंट्स थॉरक्स इज मेडअप ऑफ थ्री सेगमेंट्स एबडोम इज मेडअप ऑफ टेन सेगमेंट्स बस मैंने इतनी बात करी है कोई और बात करी ही नहीं है कितनी आसान बात है कितनी आसान बात है है ना नहीं आसान ठीक है अब यार ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कॉकरोच का आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि इनकेस ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट का इतनी सारी स्पीशीज होने का एक कारण ये है कि उनके पास एक प्रोटेक्टिव यू नो बहुत बढ़िया सा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है दैट इज़ नोन एज एग्जोस्कैलेटन ठीक है तो कॉकरोच के पास भी एग्जोस्केलेटन होगा अब इसका एग्जोस्कैलेटन किस चीज से बना है इस चीज पे चर्चा करते हैं चलो बाल को उठा लो पेन ठीक है कॉकरोच कोई सिलेबस में कैंसिल नहीं है कॉकरोच इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ योर सिलेबस नेक्स्ट चलो एग्जोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है काइटिन का बना हुआ है किसका बना हुआ किसका बना हुआ है काइटिन का है ये इसको बचाता है ये आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बचाते हैं बच्चे इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी कर पाए हैं इसीलिए इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा भी है डाइवर्सिटी ज़्यादा है क्योंकि रह सकते हैं यार ठीक है बचा पा रहे हैं खुद को दूसरी चीज़ इनके जो जॉइंटेड लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं कहीं पर भी कुछ लगा कि कोई संकट आ रहा है कुछ यू नो कठिन एन्वायरमेंट हो गया है फेवरेबल कंडीशन नहीं रहे तो चलो इसके नीचे चले जाओ घुस जाओ राइट लॉट इन देयर प्रोटेक्शन काइटिनस है अब ऐसे नहीं है कि बस काईटीन, काईटीन, काईटीन. नहीं, chitinous है, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स प्लेट्स की फॉर्म में है है ना प्लेट्स की फॉर्म में लगा हुआ है और ये प्लेट्स आपकी क्या होती है काइटिनस <coughs> है ठीक है प्लेट्स कॉल्ड जो आपकी प्लेट्स है ना उनको हम बोलते हैं द प्लेट्स आर नोन एज स्क्लेराइड्स इनको बोला जाता है स्क्लेराइड्स स्क्लेराइड sclerite जो है आपका एक प्लेट है और ये सारी प्लेट जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के आपका एग्जोस्ट कैलटर देखो यार इधर सुनो मान लो ये एक प्लेट है ये दूसरा प्लेट ये तीसरा प्लेट फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे ऐसे करके ये क्या है दिस इज वन स्क्लेराइड दिस इज अनादर दिस इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स छह स्किलइट है मान लो तो जुड़ रहे हैं ना सब ठीक है दीज आर द प्लेट्स विच इज मेकिंग योर एग्जो स्केलेटन जिससे आपका एग्जो स्केलेटन बन रहा है लेकिन यार मैं कंसर्न हूं इस एक प्लेट में मुझे देखना है ये एक प्लेट ये एक प्लेट विच इज गोइंग टू कवर द यू नो डॉर्सल सरफेस वेंट्रल एंड साइड से इमेजिन करो मान लो जैसे कि ये ये मेरे चश्मे का केस है ठीक है इसके अंदर मैं अपना चश्मा रखती हूं तो इमेजिन करो ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो गया बच्चे डोर्सल दिस डोरसल ठीक है ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया वेंट्रल ये क्या हो गया वेंट्रल हो गया करेक्ट ये वेंट्रल हो गया एंड जो ये साइड में है ये आपके लेटरल हो गए कम ऑन टेल मी लेट्स से दिस इज द कॉकरोच मान लो ये कॉकरोच है इसके अंदर कॉकरोच है मान लो इसके अंदर कॉकरोच है इसके अंदर कुछ भी नहीं है मान लो ये कॉकरोच है तो कॉकरोच को ऊपर से कवर करने के लिए कुछ चाहिए नीचे से कुछ चाहिए साइड से कुछ चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए तो ये जो स्क्लेराइट्स हैं आपके ये बच्चे तो अगर आपका स्क्लेराइट है इफ इट इज यू नो इफ इफ इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डॉसल साइड तो हम बोलेंगे जो डॉसल प्लेट है जो डोर्सल प्लेट है ठीक है उसको हम बोलते हैं टर्गाइट क्या बोलते हैं टर्गट टरगाइट ठीक है टर्गाइट. टर्गाइट, जो आपका वेंट्रल प्लेट है वेंट्रल प्लेट है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल प्लेट इज नोन एज स्टरइट ठीक है चलो हाँ बच्चे बिल्कुल सही पहचाना ठीक है इसको हम बोलेंगे स्टरनाइट डब्बा पहचान लिया इसने इसको हम बोलेंगे स्टर्नाइट और जो लेटरल थे जो मैंने बोला साइड से भी तो प्रोटेक्शन चाहिए उनको हम बोलते हैं बच्चे प्लूराइट तो लेटरल लेटरल प्लेट उसको हम बोलेंगे प्लूराइट अब ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं ऐसे नहीं है कि बस हवा में है ना हवा में ये वाली है हवा में ये वाली है हवा में ये वाली, हवा में, ये वाली, हवा, में ये वाली हवा में उड़ता जाए नहीं है हवा में उड़ता जाए ये नहीं है बिल्कुल भी नहीं है चलो सो so, देखो जैसे ये है ये है ये है ये है अरे ये है ये लाइन थोड़ा सा छोटा ये बार बार छोटा ही लग रहा है कोई बात नहीं ऐसे है ऐसे 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 जुड़े हुए हैं डॉर्सल डॉर्सल वेंट्रल लैटरल ठीक है फिर से देखो डॉर्सल वेंट्रल, ठीक है और ये साइड वाले लेटरल ये जुड़े हुए हैं ये किससे जुड़े हुए हैं दे आर ज्वाइंट टूगेदर बाय आर्थरोडियल मेंब्रेन ये सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं बच्चे विद द हेल्प ऑफ आर्थरोडियल मेंब्रेन ठीक है या फिर आप इसको आर्टिक्यूलर मेंब्रेन भी बोल सकते हो आर्थी क्यूलर मेंब्रेन भी इसको बोला जा सकता है ऐसा क्यों करा है ऐसा आपने क्यों ज्वाइन करा है इससे क्योंकि पता है इसकी वजह से कॉक्रोच का ऐसी रहेगा क्या ऐसे बस रोबो थोड़े ना कॉक्रोच उसको फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए और तुमने देखा कितना फ्लेक्सिबल है देखा कितना फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल तो बहुत है कॉकरोच, है ना तो यार अगर हम बिल्कुल इतना इतना एकदम ऐसा बना देंगे इसको मूवमेंट ही नहीं देंगे कुछ तो कैसे काम चलेगा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना तो ये ये जो मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबिलिटी दिस हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी डन समझ में आ गया अच्छा ये लो इधर आ जाती हूं अब दिख रहा है ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आ जाओ अब हम एक एक जो अपना पार्ट था इसकी बॉडी का उसको डिस्कस करते जाएंगे एंड आई विल डू वन थिंग आई विल जस्ट मेक माई सेल्फ अ लिटल स्मॉल चलो बच्चों तो अब हेड की बात करेंगे हेड मैंने क्या बताया था तुम्हें हेड मैंने बताया था ना ट्राइंगुलर है और ऐसे इफ दिस इज द बॉडी दिस इज द हेड ठीक है अगर ये बॉडी है ये हेड है ट्राइंगुलर है ओके नीचे की तरफ ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे 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 करके ढूंढता रहेगा ठीक है ठीक है चलो तो हेड पे आपने क्या क्या चीजें पढ़ी थी हेड पे हमने देखा था कि ऑसिल आई होगा विच इज द सिंपल आई जिसका काम बिल्कुल देखने का नहीं है यहां पे कोई इमेज नहीं बनता है ये सिर्फ क्या देखता है लाइट की इंटेंसिटी देखता है ठीक है लाइट की इंटेंसिटी देखता है और इसके बेस पे देखो इसके बेस पे क्या थे इसके बेस पे हमारे एंटीना लगे हुए थे इसके बेस पे लगे हुए थे एंटीना राइट बच्चे सो दिस इज द ऑसिलस प्लूरल है दो है तो ऑसिलाई बोल दोगे और इसके बेस पे है एंटीना अब एंटीना देखो एंटीना देखो एंटीना कैसे आपके थ्रेड लाइक -like है नहीं है थ्रेड लाइक -like? नाजुक नाजुक से थ्रेड लाइक -like है करेक्ट थ्रेड लाइक है एंड दे अराइज फ्रॉम द मेमब्रेनस सॉकेट ये क्या है दिस इज योर मेमब्रेनस सॉकेट ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा रुको ऐसे हाईलाइट करते ये ये क्या है बच्चे दिस इज द देंब्रेनस सॉकेट इससे ये अराइज होते हैं ठीक है इससे ये अराइज होते हैं और मैंने कितने पार्ट्स बताए थे आपको दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल 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 एंटीन्यूल्स ठीक है ये जो छोटे छोटे से पार्ट आपको दिख रहे हैं ना जिससे अटैच हो हो के हो हो के ये बना है पूरा एंटीना इनको हम बोलते हैं एंटीन्यूल्स कितने 10 से 12 एंटीन्यूल मिलके आपका पूरा एक एंटीना बना देते हैं ठीक है यस यस ओके बना दो इसको चलो बना देते हैं इसका डायग्राम बना देते हैं तुम्हारे लिए। अस से इफ दिस इज मेम्ब्रेनस सॉकेट ठीक है तो यहाँ से ऐसे करके मैंने मेम्ब्रेनस सॉकेट बना दिया और ऐसे करके तुम्हारा एंटीना निकल रहा है ठीक है लेडर से दिस इज है। एंड वॉट आर दीज दीज आर ये पूरा एक एंटीना किससे बना है एंटेन्यूल से दस से बारह एंटे न्यूल से बना हुआ है डंडन, ठीक है डन डंडन, ठीक है चलो अब बच्चे हम कंपाउंड आई की बात करेंगे कंपाउंड आएगा पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूं तुम्हारे लिए फिर इसकी बात करते हैं अच्छा एक और चीज ये जो आपका एंटीना है ना ये एंटीना किस काम के आता है ये एंटीना आ, स्मेल करेगा फूड को स्मेल करेगा कि अच्छा आसपास फूड है या नहीं है ठीक है और टच भी कर सकता है ठीक है तो ये आपको हेल्प करेगा स्मेल एंड टच इसको पता चल जाएगा कि कहां पे खाना है ठीक है इसको पता चल जाएगा अब हम कंपाउंड आई की बात करेंगे लेकिन मैं पहले एक डायग्राम बनाती हूं तुम्हारे लिए फिर हम कंपाउंड आई को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे ये मान लो ये तो कुछ ज्यादा ही गोल हो गया इतना गोल लाइक like, इतना ओवल भी नहीं होता उसका सर आई थिंक दिस इज परफेक्ट थोड़ा टेढ़ा है ये ठीक है ये ठीक है मेरे ख्याल से ऐसे ठीक है विल चेक कि मैं इसका शेप चेंज कर सकती हूं नहीं कर सकती मान लो ये सर है कॉकरोच का ठीक है तो कॉकरोच का ये है सर और हमें बनानी है इसकी आंखें इसकी आंखें ये है बच्चों दीज आर द आईज ये ये जो इधर साइड में है ना ये ये इसकी आंखें हैं देखो और इसकी आंखें ना छोटे 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 हेक्सागोनल यूनिट से बनी होती है लाइक दिस ऐसे देख रहे हो ऐसी छोटी छोटी हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं इसकी आईज में कितनी होती है 2000, 2000 दो हजार एक आंख में दो हजार दूसरे आंख में ऐसे ऐसे बस आई थिंक इतना काफी है पूरी आंखें इसी से ढकी हुई है मैं पूरा बनाने बैठूंगी फिर तो निकल गया चला गया ठीक है चलो चलो हाउ डज कॉकरोच रेस्पायर हाउ डज इट गेट्स ऑक्सीजन बच्चे जब रेस्पिरेशन कराऊंगी ना कॉकरोच का तो आएगी ये वाली बात अभी थोड़ी ना अभी थोड़ी ना अभी थोड़ी ना मैम कॉकरोच में लंग्स होते हैं क्या मैंने पिटाई कर देनी कॉकरोच में लंग्स होंगे चल ठीक है तो ये इसकी आंख है ये इसकी आंख है दो आंखें हैं और ये छोटे छोटे से यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं ओमेटीडिया ओमे टी डी या दे आर नोन एज ओमेटी विच इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ आई यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ आई ठीक है बच्चे कितने होते हैं दो हजार टू थाउजेंड इन ईच आई ठीक है अब मज़े की बात सुनो मज़े की बात सुनो अच्छा ये क्या है ये है तुम्हारा सर दिस इज है हेड ठीक है ये आँख है ये दूसरी आंख है तो हमने ये डायग्राम बना लिया हमें इतनी बात समझ में गई कि इसके अंदर तो छोटे छोटे कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम ओमिटीडिया बोलते हैं एंड दीज ओमिटीडिया आर गोइंग टू हेल्प इन फॉर्मिंग अ इमेज अब यहां पे इमेज जो बनता है ना वो गड़बड़ सा बनता है यार देखो जो हमारा इमेज बनता है वो कितना शार्प होता है कितना क्लियर हमें दिखता है लेकिन हम कॉकरोच की तरह तेज हैं क्या तुम कॉकरोच तुमने देखा ठीक है और थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ना तुम इट विल स्टार्ट मूविंग चलना शुरू कर देगा क्योंकि उसका रेजोल्यूशन चाहे बढ़िया ना हो ठीक है रेजोल्यूशन चाहे बढ़िया ना हो लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है ठीक है सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा तो बहुत जल्दी से तुम तो मक्खी मक्खी को मार पाया आज तक कोई हाँ मच्छर कितनी जल्दी उड़ जाते हैं ये क्यों क्योंकि यार इनके पास कंपाउंड आई होती है ये पिक्चर ठीक नहीं बना पाते मतलब अभी पता है इसका ये पिक्चर कैसे बनाता होगा इसके ब्रेन में क्या पिक्चर जाती होगी जैसे हम मान लो यहाँ पे कॉकरोच है अगर यहाँ सामने कॉकरोच है मुझे देख रहा है उसको कुछ नहीं पता चलेगा उसको सिर्फ ना मूवमेंट पता चलेंगे ज़्यादा अदरवाइज उसकी जो इमेज बनेगी बड़ी ब्लरी सी ओवरलैप्ड सी ऐसी सी बनेगी बट अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करूंगी इट विल स्टार्ट मूविंग क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो आपके ओमेटीडिया है ना ये बहुत सारी इमेज बना देते हैं है ना और उसको हम बोलते हैं मोजाइक विजन विच इज़ नॉट वेरी गुड रेजोल्यूशन लेकिन सेंसिटिविटी कमाल की होती है ठीक है कमाल की होती है मैम हम मच्छर मार लेते हैं मैम हम पकड़ लेते हैं मक्खी को हां लेकिन कितना आसान होता है बहुत आसान होता है क्या मेहनत लगती है मेहनत लगती है कई बार तो मच्छर इतना परेशान कर देता कि तुम गिवअप ही कर देते हो कि छोड़ यार तू ही खुश रह तू ही खुश रह ठीक है चलो तो अभी मैंने आपको यहां पे एक बात करी बताई थी ना ये मैंने बोला था ना ये मैं बाद में बताऊंगी ये अभी मैंने आपको स्क्लेराइट की बात करी ना बच्चे विच इज योर एग्जोस तो मैम प्रोनोटम क्या है प्रोनोटम इज द स्क्लेराइट ऑफ थॉरिक्स और थॉरिक्स में भी किसका प्रो थॉरिक्स का ठीक है लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था थोड़ी देर रुको फिर बताऊंगी सो so, प्रोनोटम क्या है इट इज द स्क्लराइट ऑफ pro थोरैक्स ठीक है सो प्रोथोरैक्स इसलिए हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि कवर करा हुआ है ठीक है और गर्दन भी हमें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि इसी से कवर्ड है गर्दन आपकी तो छोटी छोटी सी बातें याद रखना यार छोटी छोटी सी बातें हैं याद रखना ठीक है तो हमने अभी देखा कि द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजबल इंटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन हेड थॉरिक्स एफ

मर्जी है ठीक है आपकी मर्जी है? अगर आपसे अभी बन रहे तो वेरी गुड नहीं बन रहे तो मैं आपको आ, मेरा जो टेलीग्राम है डॉक्टर गार्गी सिंह वहां पे नोट्स भेज दूंगी हमारा जो टॉपर्स का टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लो वहां पर भी मैं नोट्स भेज दूंगी ठीक है ओके मैंने अडेप्शन वाले क्यों नहीं भेजे मैंने भेजे नोट्स लुबना मेरे टेलीग्राम पे देखना तुम भेजे मैंने नोट्स कैसी बात कर रही हो यार और फटाफट इस सेशन को लाइक भी कर दो लाइक like द सेशन फटाफट फटाफट तो अब हम बात करेंगे ऑफ द थॉरक्स रीजन अब हम किसकी बात करेंगे बच्चे थॉरक्स अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी माउथ पार्ट्स भी तो रहते हैं सर में ही तो आते हैं माउथ पार्ट्स भी आ जाओ माउथ पार्ट्स भी देखते हैं तो हमने अभी ये वाली चीजें देख ली ये कवर कर लिया वी हैव कवर्ड दिस वी हैव कवर्ड दिस वी हैव कवर्ड दीज ये तीनों चीजें हमने कवर कर ली अब यहां पर माउथ पार्ट भी आते हैं और कॉक्रोच के जो माउथ पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं बाइटिंग एंड छुइंग होते हैं कैसे होते हैं माउथ पार्ट ज्यादा है थोड़ा सा थिकनेस सो दीज आर द माउथ पार्ट्स कैसे है बच्चे माउथ पार्ट इसके बाइटिंग क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े करेगा एंड चूइंग टाइप है ठीक है कैसे हैं बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होते हैं इसके माउथ पार्ट माउथ पार्ट में हमें सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है कुछ नहीं है बड़ा आसान है यह देखना है कि पेयर्ड कौन से होते हैं यह देखना है कि सिंगल कौन से होते हैं पहली चीज तो ये एक है आपका लेबरम विच इज बेसिकली द अपर लिप अपर लिप ठीक है लेबरम लेबरम इज द अपर लिप देन बच्चे यू हैव लेबियम देन बच्चे यू हैव लेबियम इज द लोअर लिप दिस इज द लोअर लिप ठीक है तो एक अपर लिप है एक लोअर लिप है लेबरम अपर लिप लेबियम लोअर लिप याद रखना अब आपके पास है मैंडिबल एंड मैग्जिला देखो ये पेयर्ड है मैंडिबल पेयर्ड है दो हैं बच्चे मैग्जिला भी दो हैं इसी पे क्वेश्चन आता है इन चीजों पे क्वेश्चन आता है ये भी दो हैं। मैग्जिला भी दो हैं प्लीज रिमेंबर दिस एंड ये देखो ये देखो जैसे जो मैंडेबल है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ग्राइंडिंग रीजन बोला है वो ग्राइंड करने के काम आएगा ये तोड़ने के काम आएगा इन रीजन है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी पूछा जा सकता है आपको कि भाई मैंडिबल का कौन सा रीजन होता है ग्राइंडिंग और कौन सा होता है इन वाला तो कौन सा कट करेगा और कौन सा चटनी बनाएगा याद रखना तो ऊपर वाला जो है ये वाला इज ग्राइंडिंग एंड ये वाला जहां पर आपको ये इस तरह से दिख रहे हैं दांत जैसे ये है आपका वाला इन पे आ जाओ मैक्सिला में आपको पैल्प भी दिख रहे हैं कैन यू सी दीज पैल्प ये दिख रहे हैं बच्चे आपको पैल्प में तो नहीं दिख रहे मुझे लेबियम में भी पैल्प है पैल्प क्या होते हैं पैल्प आर ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन है ये भी सेंस करेंगे फूड को कैप्चर करने में फूड स्मेल करने में ठीक है मेन्यूपुलेट करने में हेल्प करते हैं इनका काम यही सब होता है जो पैल्प है ना दे आर ऑल्सो सेंसरी स्ट्रक्चर्स तो पेल्प आर ऑल्सो स्ट्रक्चर मुझे यहां पे दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं इधर भी दिख रहे हैं अब आ जाओ ये मैम हाइपो क्या है हाइपोफेरिंग्स इज बेसिकली द टंग क्या है इज बेसिकली द टंग याद रहेगा याद रहेगा बस देखो इतनी बात याद रख लेना कि जो लिप्स हैं वो पेयर्ड तो नहीं है अपर लिप है एक एक लोअर लिप है ओके मैंडिबल पेयर्ड है ग्राइंडिंग वाला रीजन ये वाला है इन वाला ये वाला है देन यू हैव एंड फिर बच्चे आपके पास है इज इज बेसिकली द द रिप्रेजेंटेड बाय इफ यू वांट टू रीड आउट द दिस पार्ट देन आई कैन आई कैन जस्ट रीड इट आउट हेड है ट्राइंगुलर इन शेप ये देखो अब फटाफट से सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं किससे बना है बच्चे सिक्स सेगमेंट से बनाए ठीक है थीके? और फ्लेक्सिबल नेक है आपके पास जो हेड है उसके पास क्या है कंपाउंड आई होती है और थ्रेड लाइक एंटीना भी है जो कि मेम्ब्रेनस सॉकेट में धसा हुआ है ठीक है जो एंटीना है बच्चे वो क्या है सेंसरी रिसेप्टर है जो कि आपके एनवायरमेंट को चेक करेगा स्मेल कर सकता है टच करेगा ओके इंटीरियर एंड ऑफ द हेड बेयर्स अपेंडेज इज फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चुईंग टाइप ऑफ माउथ पार्च माउथ पार्च में आपका क्या आ गया लेबरम आ गया अपर लिप मैंडिबल्स आ गए पेयर ऑफ मैक्सिले आ गए एंड लेबियम आ गया विच इज लोअर लिप एक आपके पास हाइपोफेरिंग्स है कैसा है लोब के जैसा लोब के जैसा एक हाइपोफेरिंग्स है विच इज बेसिकली द टंग ठीक है विच इज बेसिकली द टंग जो कि बच्चे देखो जो कैविटी बनी ना आपकी माउथ पार्ट से अपर लिप अपर लिप लोअर लिप ठीक है देन योर मैंडिबल्स एंड देन योर मैग्जिला ये जो कैविटी बची बनी ठीक है ये उस कैविटी में है ये उस कैविटी में है करेक्ट चलो आ जाओ कॉक्रोच ना बस कॉक्रोच की अलग ही शान है अब हम बात करेंगे थॉरिक्स की विच इज डिड इंटू प्रोथोरिक्स मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स फटाफट से इसका हम पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको पढ़ाई करवा दूंगी पढ़ाई ठीक है फिर हम इसकी पढ़ाई कर लेंगे तीन में डिवाइड करा था बच्चे प्रोथोरिक्स मिजोथरिक्स एंड मेटाथोरिक्स अब क्या क्या बातें आपको बताई थी मैंने इधर की प्रोथोरिक्स में क्या था प्रोथोरिक्स में लेग्स थे या नहीं थे लेग्स तो हर एक में थे ठीक है तो लेग्स तो हम सब में लिख देंगे लेग्स लेग्स वन पेयर लेग बच्चे हम सारे के सारे सेगमेंट में लिख देंगे कॉपी और मैं कर दूंगी पेस्ट ठीक है अब चाहे तुम कुछ भी बोलो और मैं कर दूंगी पेस्ट ये हो गया कॉपी पेस्ट कर दिया एक एक, 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 एक पेयर आपके पास है uh, और लेग्स को ना तुम बोल सकते हो कि प्रोथोरेसिक लेग है मीजोथोरेसिक लेग है मेटाथोरेसिक लेग है एनीवे anyway, अब बात करते हैं विंग्स की क्या यहां पे विंग्स होते हैं नहीं होते क्या यहां पे विंग्स होते हैं मैम बिल्कुल होते हैं यहां पे एक पेयर होता है विंग्स का विंग्स वन पेयर यहां पे विंग्स होते हैं क्या बच्चे वो विंग्स दिखाने के होते हैं या फिर प्रोटेक्ट करने के होते हैं या फिर और कोई फंक्शन तो है नहीं चलो उड़ने के होते हैं उड़ने के तो नहीं होते हैं. सो मीजोथरेसिक विंग्स जो होते हैं मीजो रैसिक विंग्स या फिर इसको हमने क्या बोला था टेगमिना ठीक है क्या बोला था टेगमिना या फिर तुम इसे फोर विंग्स भी बोल सकते हो फोर विंग्स भी बोल सकते हो यू कैन ऑल्सो कॉल इट टेगमिना ठीक है इसको तुम टेगमिना भी बोल सकते हो ये कैसे होते हैं डार्क होते हैं लेदरी होते हैं डार्क एंड दे कवर हाइंड हाइंड विंग्स हाइंड विंग्स इनका काम प्रोटेक्शन का है इनकेस ऑफ मेल पूरा का पूरा जो एबडोमन एरिया है वो इन्हीं वाले विंग्स से कवर हो जाता है ठीक है सो दे एक्सटेंड बियॉन्ड एबडोम इन मेल्स तो मेल्स में काफी बड़े हैं ठीक है मेल्स में काफी बड़े रहते हैं ये बात समझ में आई ठीक है ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई यस यस ओके ठीक है अब आ जाओ तुम मेटाथोरक्स पे अब हम बात करेंगे बच्चों मेटाथोरैक्स पे तो लेग्स तो यहां पे भी थे विंग्स यहां पे भी थे यहां पे भी हमने विंग्स देखे थे विंग्स वन पेयर एक पेयर यहां पे विंग्स का भी है जिसको तुम क्या बोलोगे मेटाथोरेसिक विंग्स बोलोगे सो या फिर हाइंड विंग्स मेटाथोरैसिक या फिर हाइंड विंग्स बोल दोगे ठीक है हाइंड विंग्स बोल दोगे आई शुड बी वेयरिंग चश्मा ठीक है हाँ ये किस लिए थे ये दिखाने थे ये दिखाने के थे या काम करने वाले थे ये काम करने वाले थे इसको ये जब काम करते हैं ना तो इंसान उड़ता नहीं है उड़ जाता है कैसे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस हैं मेमब्रेनस हैं दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग यही है जो फ्लाइंग के काम आते हैं यही है जो फ्लाइंग के काम आते हैं हो गया हो गया आगे बढ़े चलो ये बात हुई आपका थॉरिक्स की अब हम बात करेंगे यार अब हम इसके सिस्टम शुरू कर देते हैं याद करना ठीक है अब यहाँ पे ना ये जो पैराग्राफ है ना अभी आप डरना मत कि मैम आपने ये वाला पैराग्राफ नहीं बताया ये पैराग्राफ बच्चे में बच्चे मैं आपको जब मैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी वैसे अगर चाहिए तो मैं तो चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ द एबडोम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ टेन सेगमेंट्स इन फीमेल्स द सेवंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद द एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच वेयर इंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर स्पर्मथिकल पोर्स कोलेट्रियल कोलेट्रल ग्लैंड्स अब तुम्हें ना ये चीजें पता नहीं अभी जब तक तुम इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे ना तब तक ये वाला paragraph समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि पहले वो पढ़ लो। तुम के क्या है, में देखेंगे, देखेंगे बच्चों डरने का नहीं है आ जाओ अब हम शुरू करते हैं एनाटमी एनाटमी में सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स प्रिटी सिंपल आई वुड से कोई बहुत खतरनाक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ये है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है जी ये प्यारा सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन कुछ बातें ना मैं आपको पहले बता देती हूँ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ना हम डिवाइड करेंगे इन तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किसम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्री केनाल और ग्लैंड uh, में तो इसके भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे चलो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है जी तो दो में डिवाइड करूंगी बच्चे एलिमेंट्री केनाल ठीक है एंड योर ग्लैंड ठीक है एक्सेसरी ग्लैंड एलिमेंट्री केनाल को वी कैन डिवाइड इंटू फोर गट फोर गट फोर गट में क्या आएगा मिड गट पहले रुको ये नहीं लिखते पहले हम ना सीधा शुरू करते हैं माउथ से इसने अगर खाना खाया तो कहा जाएगा माउथ में जाएगा फिर कहा जाएगा बकल कैविटी में बकल कैविटी बच्चे ना रुक जाओ अभी एबडोमन्ना में हर एक सिस्टम के साथ तुम पढ़ोगे ऐसे नहीं पढ़ सकते तुम एबडोमन की मिक्स करके पढ़ लो अब तुम सिस्टम पढ़ते जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि कौन से सेगमेंट में क्या चीज आ रही है एबडोमिन ऐसे नहीं पढ़ा जाता ठीक है चलो बकल कैविटी फेरिंग्स अभी तक तो तुम्हारे जैसा ही चल रहा है तुम्हारा भी माउथ है फिर बकल कैविटी है फिर फेरिंग्स है अब मैं बोलूंगी इसोफेगस तुम बोलोगे मैम ये तो काफी सिमिलर है यहां तक तुम्हारे जैसा है लेकिन इसके बाद जो चीज आती है ना उसको हम बोलते हैं क्रॉप ठीक है crop, उसको हम बोलते हैं क्रॉप क्रॉप क्या है बच्चे क्रॉप है क्रॉप इज मेंट फॉर स्टोरेज टाइप लेकिन जो असली पेट है इसका असली पेट जो है उसको हम बोलते हैं गिजर्ड क्या बोलते हैं गिजर्ड लिजर्ड नहीं बोलते हैं ये इसका असली पेट है ये इसका एक्चुअल स्टमक है यहीं पे चर्निंग होगी तुम्हारे भी इसी पेट में चर्निंग होती है ना यहीं पे होगी यहीं पे आपका फूड तोड़ा जाएगा ठीक है यहाँ पे तुम देखोगे कि अभी बताएंगे बताएंगे रुको रुको गिजर्ट के बाद क्या आएगा बच्चे गिजर्ट के बाद आएगा आपका मिड गट ठीक है मिड गट फिर आपका आएगा हाइंड गट फिर आपका आता है हाइंड गट ठीक है ये माउथ से लेकर गिजर तक थोड़ा और छोटा बनाती हूं ऐसे करके ऐसे दिस इज योर गट ठीक है ये तुम्हारा फोरगट है अब देखो फोरगट और मिडगट के बीच आपको ना ये देखो यहां अब यहां पे देख लो माउथ था बच्चे बकल कैविटी था फिर फेरिंग्स आया ये रहा फेयरिंग्स तुम्हारा दिस इज द फेयरिंग्स वेरी स्मॉल ट्यूबुलर फिर आपका आया ईसोफेगस रहा ईसोफेगस ठीक है फिर उसके बाद देखो क्रॉप आया दिस इज द क्रॉप ये ये जो यहाँ पे बैग के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तुम्हें दिस इज द क्रॉप देन दिस दिस वन इसको मैं किसी और कलर से बताती हूँ हाँ मान लो ये ये जो मैंने पर्पल कर दिया ना बच्चे दिस पर्पल स्ट्रक्चर इज योर गिजर्ड ठीक है दिस पर्पल स्ट्रक्चर इज योर गिजर जो कि तुम्हारा सच्ची वाला पेट है यहां पर दांत हो बताएंगे अभी एंड उसके बाद तुम देख रहे हो उसके बाद मैम आपने बोला था मिज मिडगट आता है उसके बाद मिडगट आता है लेकिन फोरगट और मिडगट के जंक्शन में आपको ये ट्यूब्स दिख रही है इस कुछ ट्यूब दिख रही है दीज ट्यूब्स, 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 ट्यूब्स आर नोन एज हिपैटिक सीके क्या बोलते हैं इनको चलो यस yes, इसको क्या बोलते हैं हिपैटिक सीके बोलते हैं ठीक है जी ओके दीज आर नोन एज हिपैटिक सीके ठीक है चलो मैं इसको उठा के इधर रख देती हूं और ना मैं इधर ही बहुत सारी चीजें लेबल भी कर देती हूँ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग आई एम गोइंग टू लेबल अ लॉर्ड ऑफ स्टफ हियर ओनली ठीक है बच्चे चलो आ जाओ तो यू हैव द फेयरिंग्स ठीक है ये फेयरिंग्स आ गया आपका उसके बाद आपका आ गया इसोफेगस विच इज लेकिन यार मैं ज्यादा कंसर्ड हूं विद क्रॉप क्रॉप अब क्रॉप का क्या कैरेक्टर है क्रॉप इज मेंट फॉर स्टोरेज टेम्पररी स्टोरेज के लिए तो क्रॉप सैक लाइक स्ट्रक्चर है सैक लाइक -like है और दिस इज मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड यहीं पे हम सारी चीजें लिखते जाएंगे कि किसका क्या फंक्शन है? कि तो है. है ना बच्चों यही है ना ठीक है असली पेट क्या यही है ना हाँ जी पेट के अंदर दांत होते हैं इसके बिल्कुल होते हैं इज द सेशन गोइंग फाइन चीज़ें याद हो रही हैं सेशन में या नहीं हो रही है देखो जब तक चीजें याद हो रही हैं तब तक बढ़िया चल रहा है मतलब और थोड़ी सी कोशिश खुद भी करनी पड़ती है, है ना थोड़ी सी कोशिश खुद भी करनी पड़ती है करेक्ट बोलो याद हो रहा है याद हो रहा है ना बस ये चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए चलो ठीक है yes. यस ईशान वे श्यूअर माई बायोलॉजी टीचर इन स्कूल उसके बाद जो ईशान आपने लिखा ना किसी टीचर के बारे में ऐसे नहीं लिखते आ, अगर कोई टीचर आपको नहीं अच्छा लग रहा आपके स्कूल के टीचर शायद आपको नहीं अच्छे लगते होंगे यू कैन जस्ट राइट कि मेरे को उनका समझ में नहीं आता था प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस लैंग्वेज फॉर टीचर्स बच्चो ठीक है सो आई वुड नॉट अप्रीशिएट अगर आप किसी भी टीचर के लिए इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करेंगे ये वर्ड तो किसी के लिए वैसे ही नहीं यूज़ करना चाहिए ठीक है ना तो अगर आपको अच्छा लगता है जैसे मैं पढ़ाती हूँ आई एम वेरी हैप्पी कि आपको समझ में आता है जो मैं पढ़ाती हूँ बट uh, एक बात मैं ये भी बोलूँगी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट एवरीबडी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते ओके ठीक है okay? ठीक है दी बोलो यस ईशान ऐसा नहीं बोलते हाँ मेरा फ्रॉग वाला लेक्चर भी आपको आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा यस yes, बच्चे बर्ड्स में भी होता है लेकिन बर्ड्स के पास ये दांत नहीं होंगे बर्ड्स क्या करते हैं बर्ड्स ठीक है बर्ड्स <coughs> क्या करते हैं पत्थर ले लेते हैं अपने अंदर पत्थर ही ले लेते हैं तो पत्थर की हेल्प से उनका जो खाना है ना वो चर्न हो जाता है चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे गिजर्ड की गिजर्ड को हम और क्या बोलते हैं भी बोल देते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रो वेंट्री ठीक है प्रोवेंट्री क्यूलस भी बोला जाता है ओके ठीक है चलो बच्चों चलो मैं नोट भेज दूंगी अब गिज़र्ड इज़ योर ट्रू स्टमक दिस इज़ इस, इसको अलग कलर से लिखती हूं मैं ताकि जब मैं नोट्स भेजूं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ने ये किसके बारे में लिखा है ये गिजर्ड के बारे में बच्चे ब्लू कलर से जो मैं लिख रही हूँ सो दिस इज योर ट्रू स्टमक इसका मतलब है कि खाने को तोड़ने का काम यही करने वाला है इसके पास क्या होते हैं इसके पास सिक्स होते हैं जिसकी मदद से ये खाने को तोड़ पाता है ग्राइंडिंग कर पाता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड यही कर पाता है इसलिए मैंने बोला कि यही है ट्रू स्टमक ठीक है जी चलो उसके बाद क्या बोला था मैंने उसके बाद हम आ जाते हैं आपके टिक सीके की बात अभी नहीं करूंगी या यहीं पर लिख देते हैं चलो हिपैटिक सीके के बारे में भी यहीं पे लिखते हैं सीके सीके को बच्चे गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक भी बोलते हैं दे आर तो ऐसे मैंने इसको डब्बू में डाला अब मैं लाल रंग से जो भी चीज लिख रही हूं वो इसके बारे में लिख रही हूं कितने दिख रहे हैं ये तुम्हें कितने दिख रहे हैं छे से आठ होते हैं सिक्स टू एट ब्लाइंड ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ब्लाइंड मतलब ये एक ही तरफ खुल रहे हैं इस तरफ दूसरी तरफ नहीं खुल रहे तो दे आर ब्लाइंड ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स ओके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स बोल दिया कहां पे है बच्चे एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट कहां पे होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट और इनका काम क्या है हिपैटिक सीके का काम है देखो यहां से यहां आपका फूड टूटा ठीक है यहां पे जो गिजर था यहां पे आपका फूड टूटा टूट गया आपने ब्रेक डाउन करा उसके बाद यार खाना यहां से निकल रहा है ठीक है तो थोड़ा और डाइजेशन हो जाए तो ये डाइजेस्टिव ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ तो थोड़ा और डाइजेशन हो जाए तो ये डाइजेस्टिव जूसेसिकरीट करते हैं इसका क्या काम होता है दे सिकरीट डाइजेस्टिव जूसेस ठीक है ये काम होता है ताकि ये डाइजेशन में हेल्प करा सके उसके बाद बच्चे आपका मेजेंट्रॉन आ गया या फिर मिड गट आ गया क्या आ गया मेजेंट्रॉन आ गया या फिर मिड गट आ गया जिसको तुम वेंट्रिक्युलस भी बोल सकते हो दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज वेंट्रिक्यूलस ठीक है चलो यहां क्या होगा यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा खाने का यहां क्या होगा यहां पे खाने का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा देन कैन यू सी ये आपका मिड गट था और ये आपका हाइंड गट है हाइंड गट की एक चीज़ एक लाइन जो आपकी आ, किताब में लिखी हुई कि हाइंड गट आपका थोड़ा सा डायमीटर में बड़ा है वो जो आपको यहाँ पे भी दिख भी रहा है डायग्राम में भी दिख रहा है तो ये चीज़ याद रखनी है कि डायमीटर में थोड़ा बड़ा है ओके दूसरी चीज कैन यू सी दी स्ट्रक्चर्स ये दिख रहे हैं ये आपका मिड गट था और ये हाइंड गट है उनके बीच में ये कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं मुझे ये क्या है बच्चे दीज आर द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ये क्या है आपके ये हैं आपके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड यू नो द फंक्शन ऑफ दीज मैल टिब्यूज इनका फंक्शन आपको पक्का पता है मेरे को पूरा का पूरा भरोसा है कितने होते हैं? ये question पूछ लिया जाता है 100 से 150 होते हैं। कितने होते हैं कितने एक सौ पचास मेलपीजियन होते हैं अब देखो खाना आ रहा है ठीक है आपने चीजें जो absorb करनी थी कर ली ओके अब यार जो फालतू की चीजें हैं जो तुम्हें नहीं चाहिए तो मेलपीजियन ट्यूबूल क्या करेंगे एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीशन ठीक है जी है ना राइट दीज आर द स्ट्रक्चर फॉर विच आर मेंट फॉर एक्सक्रीशन तो भाई इन्होंने एक्सक्रीशन करके जो भी वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ पे डाल देंगे इधर डंप कर देंगे हाइंड गट में डंप कर देंगे फिर वहां से होते हुए ये रेक्टम में जाएगा और फिर बाहर चला जाएगा बढ़िया सिस्टम है नहीं है क्या बढ़िया सिस्टम है ओके तो विल राइट की वन से वन होते हैं फिला मेंटस हैं एंड मेंट फॉर एक्सक्रीशन किस लिए हैं बच्चे ये दीज आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स तो मेंट फॉर फॉर एक्सक्रीशन ये क्या करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव कर देंगे यस नाइट्रोजिनस वेस्ट को मैं यहीं पे लिखवा रही हूं अब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहीं पे करवा रही हूं तुम्हें दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द क्या कहते हैं जो भी आपका खाना था उसमें जो भी वेस्ट था उसमें से ये क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट को तो विल राइट एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट ठीक है उसको बदल देंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट इनटू कॉकरोच क्या चीज एक्सक्रीट आउट करता है क्या क्या चीज एक्सक्रीट आउट करता है दे कन्वर्टेड इंटू यूरिक एसिड ठीक है यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और बच्चे कहां फेंक देंगे कहां जाएगा हाइंड गट में और हाइंड गट से बाहर अब क्योंकि यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैं कॉकरोच को क्या बोलूंगी कि कॉकरोच क्या है यूरिकोटेलिक है क्या है यूरी टेलिक है अपना कॉकरोच सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो ये जो आपके मालपीजियन ट्यूब्यूज होते हैं यहां के जो सेल्स होते हैं दे आर ग्लैंडुलर एंड दे हैव सीलिएटेड सेल्स सीलिएटेड सेल्स क्यों होते हैं ताकि उस नाइट्रोजनस पेस्ट को हाइंड गट में ठीक है उसको आगे 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 मूव करते रहे सो सेल्स हेयर आर सेल्स ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूज आर टेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं यह कुछ बातें जो सारी की सारी इस डायग्राम में मैंने लिख दी है ताकि एक ही जगह आपके सारे नोट्स कवर हो जाए मतलब जब तुम रिवाइज करो ना तो बस इसको देखो और हो जाए कोई दिक्कत ना रहे तुम्हें ऐसा होना चाहिए ना ऐसा होना चाहिए एक्सक्रिशन में कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में भी लिखाऊंगी अब आ जाओ बच्चों तुम हाइंड गट हाइंड गट की बात करें तो हाइंड गट का पार्ट है इलियम कॉलोन एंड रेक्टम ठीक है आई सी आर आई सी आर ईलियम कॉलोन एंड रेक्टम दे आर पार्ट ऑफ इलियम कॉलोन एंड रेक्टम तीनों मिला के बनाएंगे आपके हाइंड गट सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं चलो जी ठीक है डन बच्चे, आईसीआर आईसीआर से याद रखना आईसीआर आई आई सी आर आई सी आर इज हाइनगट इज हाइंड गट आर क्लियर एक बार फिर से इसको देख लो शुरू हुआ माउथ से बकल कैविटी फेरिंग्स ईसो क्रॉप विच इज स्टोरेज के लिए पेट जो होता है इज़ द ट्रू पेट क्योंकि वहां पे आपके काइटिनस टीथ होते हैं छे होते हैं जो कि पूरे के पूरे खाने का चर्निंग करा देते हैं देन यू हैव मिड गट एंड ये सारे स्ट्रक्चर मिला के आपका फोर फोरगट बनाएंगे मिडगट और फोरगट के बीच में क्या था बच्चे हिपैटिक्स के थे जो इका क्या काम था गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेंगे डाइजेशन में हेल्प करेंगे मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में क्या थे मेलपीजन ट्यूब्यूल थे जिनका क्या, क्या काम था एक्सक्रीशन था जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल करवाने वाले हैं क्या ये बातें सबको क्लियर हुई और इसमें मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी करा दिया नाउ इट्स नॉट जस्ट की मेलपीजन ट्यूब्यूल ही एक्सक्रीशन करवाते हैं वी वी हैव अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो जैसे कि अदर ये क्या हुआ मैंने कुछ भी नहीं करा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं मेलपीजन ट्यूब्यूल तो है मेन है लेकिन और भी है और क्या है बच्चे फैट बॉडी फैट बॉडी ठीक है और क्या है फैट बॉडी है देन यू ऑल्सो हैव नेफ्रोसाइट्स यू ऑल्सो हैव नेफ्रोसाइट्स ठीक है जी तो एक तो हो गया अपना फैट बॉडी एक हो गया अपना नेफ्रोसाइट्स एक और है बच्चे आपके यूरिकोज ग्लैंड यूरिकोज Glands. तो ये तीन भी आप याद रखेंगे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है दीज आर मोस्टली प्रेजेंट दीज आर प्रेजेंट इन मेल्स ये मेल्स में ही होंगे आपके ये वाले मेल्स में ही मिलेंगे यस आई थिंक ये मेल्स में मिलेंगे यस yes. ठीक है चल ठीक है जी प्रोवेंटिकुलस बच्चे गिजर्ड का ही दूसरा नाम है प्रो गिजर्ड का दूसरा नाम है वेंट्रिकुलस आपका मेजेंट्रॉन का दूसरा नाम है मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूँ तो समझ में आएगा इसी का दूसरा नाम है और ये भी इसी का दूसरा नाम है ठीक है प्रो गिज़र्ड का नाम है वेंट्रिकुलस मेजेंट्रॉन का या फिर मिड गट का नाम है डन चलो आज स्पेशल क्लास नहीं होगी आज मैं ऑलरेडी मैं अ, जो मेरी प्लस की क्लास थी दो घंटे चली ये क्लास भी दो घंटे चल जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं काफ़ी थक जाऊंगी बच्चों और तुम्हें पता ही है कि मैं बहुत देर तक खड़े भी नहीं हो पाती हूँ ठीक है नेप्रो पे पर पीवाई क्यों आया था येस बिल्कुल आया था तो इसलिए मैंने लिखवा दिया साइड में चुपके से चुपके से लिखवा दिया और तुम भी चुपके से लिख लो अच्छा एक चीज़ रहेगी बच्चे इसमें एक्सेसरी ग्लैंड तो हमने बात ही नहीं करी मैं भूल गई तुमने भी नहीं याद दिलाया मैम आपने एक्सेसरी ग्लैंड तो बताया नहीं ऐसे थोड़ा ना करना है याद दिला दिया करो यार कभी कभी मैं भूल जाते हो चलो एक्सेसरी ग्लैंड में क्या आ गया से ग्लैंड आ जाएंगे क्या आएंगे बच्चे सेलाइवरी ग्लैंड आ जाएंगे ठीक है कहाँ होते हैं ये ये हम अपने वाले डायग्राम में देखें ये देखो ये कहां ये देखो ये ये है ना जो ये जो ऐसे फड़फड़ाते हुए चार तुम्हें दिख रहे हैं ना ये चार रुको मैं इसको ए वाले ये वो ये ये और ए ये सिलाईवरी ग्लैंड है ठीक है ये तुम बोलोगे मैम सिलाईवरी ग्लैंड दो होते हैं तुम बोलोगे मैम ये तो चार दिख रहे हैं आपने दो बोला ये तो चार दिख रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है हाँ ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बच्चे लोब्ड होते हैं एक है लेकिन लोब्ड है दूसरा है लेकिन लोब्ड है इसलिए तुम्हें चार दिख रहे हैं ये तो दीज आर दिलाईवरी ग्लैंड राइट और सिलाईवरी ग्लैंड का क्या काम होगा बताओ अगर किसी का नाम सिलाईवरी ग्लैंड है तो उसका काम क्या होगा उसका काम होगा सिलाईवा सिकरीट करना ये क्या करेंगे दे विल सिकरीटा सलाइवा में क्या होगा तुम्हारे सलाइवा में तो एंजाइम होते हैं अमाइलेज होता है ना तो इसके में भी क्या होगा एंजाइम होंगे कौन से वन टू टू थ्री तीन होंगे कौन सा होगा अमाइलेज इसके पास भी है अमाइलेज इसके पास भी है और क्या इसके पास सेल्युलेज सेल्युलेज सेल्यूलेज एंड काइटिनेज भी होगा ठीक है बच्चे और ये जो एंजाइम्स है ना जो इसने सिक्रीट करे वो जाके स्टोर कहाँ होंगे यहां पर रिजर्वोयर में जाके स्टोर हो जाएंगे स्टोर करेगा इधर तो अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्सेसरी ग्लैंड की भी बात कर ली क्या है सेलाइवरी ग्लैंड है कैसे है बच्चे एक पेयर है लेकिन लोब्ड है ठीक है यू हैव वन पेयर लोब्ड वन पेयर है और लोब्ड है ठीक है जी और ये क्या सिक्रेट करेगा सलाइवा जो कि कहां जाके स्टोर होगा यहां पे जाके स्टोर हो जाएगा क्या ये बात समझ में आई बोलो फटाफट से बताओ देख रहे हो कितना सब छाप दिया है डायग्राम में कितना सब कुछ छाप डाला है दिस इज द बेस्ट तरीका जिससे आप पढ़ सकते हैं यू नो एनाटमी या फिर जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इस तरह से छाप दो बस एनसीआरटी छाप डालो वो छापते छापते दिमाग में भी छप जाती है फिर फ्रॉग्स आर मच बेटर देन कॉकरोच किस किस को ऐसा लगता है मुझे भी ऐसा लगता है ठीक है चलो यस yes. अच्छा मैं अब ना पंद्रह मिनट के लिए बैठ जाऊंगी फिर मैं फिर से आई स्टैंड बिकॉज मुझे दर्द हो रहा है ठीक है चलो अगला अगला हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी मैंने <coughs> क्योंकि काफी तकलीफ हो जाती है मुझे ना फिर मैं थोड़ा खुद को छोटू भी कर लेती हूँ आ जाओ फटाफट से लाइक भी कर दो सेशन को जल्दी से इसका टेस्ट बच्चे मैं या तो मंडे को लूंगी या फिर ट्यूसडे को आई आई लेट यू नो मंडे को शायद पॉसिबल ना हो पाए बट uh, मैं ट्यूजडे को पक्का इसका टेस्ट आपका प्लान कर दूंगी ठीक है चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने से पहले मैंने ना एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे जो तुम्हें बनाना होगा बनाना नहीं बनाना होगा मत बताना ठीक है कोई चक्कर नहीं है एक्चुअली लेट्स डू वन थिंग जैसे बच्चे ये आपका कॉकरोच है ना यहाँ पे मान लो ये आपका यहाँ पे कॉकरोच है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है ना uh, इधर कौन से कलर येलो येलो कलर लेती हूँ येलो कलर दिखेगा तुम्हें यहां साइड में ना इस तरीके से कुछ छेद होते हैं ठीक है थीके? क्या होते हैं छेद होते हैं समझो इस बात को समझो इस बात को अब यहाँ पे तो तुम्हारा ये क्रॉप दिख रहा है अच्छा चलो मैं खुद ही बनाती हूँ रहने दो इसको यहाँ से तो तुम बहुत सारी चीजें दिखेंगे तुम्हें लेट्स से ये आपका कॉकरोच है ठीक है मान लो ये आपका कॉकरोच है मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं कोई बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूं तो बच्चे इसके ना इस तरह से यू विल सी के कुछ छेद है ठीक है ऐसे ऐसे कुछ छेद हैं इन छेद को हम क्या बोलते हैं दीज दीज स्मॉल small, small, uh, you know पोर्स स्मॉल स्मॉल ओपनिंग these आर नोन एज स्पाइरिकल्स इनको हम बोलते हैं spiracles इनको बोला जाता है spiracles और ये spiracles ना ओपन हो सकते हैं क्लोज हो सकते हैं ओपन हो सकते हैं क्लोज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंक्टर्स यहाँ पे स्पिंक्टर्स भी होता होते हैं जो कि इनको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा बंद ही रहेंगे जरूरी नहीं हमेशा क्लोज ही रहेंगे ओपन ही रहेंगे करेक्ट ठीक है जी चलो तो ये जो स्पाकल्स है ना आपके अब देखो थोड़ा सा जूम करते हैं आ जाओ ये जो आपके स्पाइरकल्स हैं ना बच्चे ये स्पाइरेकल्स आपके दे ओपन इन टू दीज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया क्या बोलते हैं ट्रेकि ठीक है इसको क्या बोला जाता है ट्रेकिया और ये ट्रैकिया फर्दर ऐसे ऐसे ब्रांच कर जाता है ऐसे ऐसे ब्रांच कर जाता है जिसको तुम क्या बोलते हो ट्रेकिओल्स ये जो ब्रांचिंग गई ना आगे इसको हम क्या बोलते हैं ट्रेकिओल्स ठीक है अब कॉकरोच में क्या होता है ना कि यहां आपके टिश्यूज हैं ये आपके टिश्यूज हैं आपके केस में ब्लड सर्कुलेट करता है सारी जगह ठीक है ब्लड हर जगह जा रहा है और ब्लड आपको ऑक्सीजन दे रहा है न्यूट्रिएंट्स दे रहा है इसके केस में ऐसा नहीं होता इसके केस में जो ब्लड है वैसे उसको ब्लड बोलते भी नहीं है उसको हीमोलिम्प बोलते हैं जो इसका फ्लूइड है ना दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रैक्योज ट्रेकिया या फिर ये स्पाइरेकल जो हैं इनकी हेल्प से होगा और हर एक ये जो ट्रैक्योज है ना टिश्यू तक पहुँचते हैं क्योंकि बॉडी फ्लूइड नहीं पहुँचेगा उसका काम नहीं है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन uh, को पहुँचाना सी ओ टू को कलेक्ट करना उसका काम नहीं है गैस एक्सचेंज करना तो हमने यहाँ पे क्या करा हमने बोला कि चलो ठीक है भाई हर एक टिश्यू को हम खुद से जाकर खुद से जाकर डिलीवर करेंगे ऑक्सीजन और वहाँ से सी ओ टू ले लेंगे क्योंकि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है इसके साथ ये चलता है आपके साथ ये नहीं चलेगा इसलिए आपके केस में एक पूरा प्रॉपर सर्क्यूलेटरी सिस्टम है ठीक है राइट right. चलो क्या हो गया क्या हो गया मैम अगर कॉकरोच पानी में गिर जाए तो सरवाइव नहीं करेगा क्या <laughs> नहीं ऐसा नहीं कॉकरोच उड़ सकता है भाई क्यों नहीं सरवाइव करेगा उड़ जाएगा वो हाँ उड़ जाएगा वो सामने बैठे रहो तो

तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है बच्चे नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से बना है। किससे बना है नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से बना हुआ है किससे बना हुआ है नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से बना हुआ है, बना हुआ है। ये देखो लिखा ना यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से बना हुआ है और ये ट्रेकिया फिर फर्दर किसमें ब्रांच हो जाते हैं छोटे 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 ये खुद बहुत छोटी छोटे ट्यूब्स हैं दीज आर थिन ट्यूब्स ठीक है सो so, ये ट्यूब्स फर्दर बच्चे किस में यू you नो know, खुलेंगे ट्रेकिया विल फर्दर Branch into branch into इन ठीक है जो कि टिश्यू के पास हैं डिफ्यूजन से गैस का एक्सचेंज करेंगे इन टिश्यू ठीक है और ये जो ट्रेकिया है आपका ये जो आपका ट्रेकिया है ये जो मैंने यहां पे बनाया था ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये ट्रेकिया ये कहाँ ओपन हो रहा था बच्चे बाहर के एनवायरमेंट में कैसे ओपन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ दीज स्पाइरिकल्स ठीक है सो मैं यहां पे लिख देती हूँ ओपन आउटसाइड विथ स्पाइरिकल्स Are, छोटे छोटे से ओपनिंग है कितने हैं दस हैं यू हैव टेन पेयर्स ठीक है pairs, जैसे कि दस इधर और दस इधर सो यू हैव टेन पेयर्स टेन पेयर्स हैं आपके पास इसको मैं और इसको यहां कर देती हूँ सो यू हैव टेन पेयर्स कौन से रीजन में कितने पेयर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेन पेयर्स हैं लेटरल हैं लेटरल हैं साइड में देखो मैंने कहां बनाया था साइड में बनाया था बीच में नहीं बनाया मैंने साइड में बनाया सो लेटरल हैं टेन पेयर्स हैं एंड ऑल्सो बच्चे uh, कौन सा पेयर कहाँ कितने पेयर हमें कहाँ मिलेंगे दो थोरेसिक हैं टू थोरेसिक ठीक है एट एब्डोमेन आठ आपके पेट वाले रीजन में है और दो आपके थोरेसिक रीजन में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलसो दीज पारिकल्स दे आर गार्डेड बाई मैंने बोला था ना कभी ओपन भी हो सकते हैं कभी क्लोज भी हो सकते हैं गार्डेड बाय स्प्रिंकटर्स ओपन भी हो सकते हैं क्लोज भी हो सकते हैं समझ में आया रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल सा है कोई तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बहुत सिंपल है तो हवा कहां से आएगी बच्चे हवा देखो हवा का क्या क्या कहते हैं पाथवे होगा हवा ये बाहर हवा आई हवा कहाँ एंटर हुई स्पायरिकल में एंटर हुई फिर स्पायरिकल से कहां गई स्पाइरेकल में एंटर हुई स्पायरिकल से ट्रेकिया में गई ट्रेकिया से ट्रेकियोस में गई और फिर टिश्यू में चली गई दिस इज द एंट्री पाथवे ऑफ योर हवा ठीक है समझ में आया हवा कैसे आ रही है बच्चे हवा यहां पे है दीज आर स्पाइरेकल्स ये जो आपके पोर्स हैं ये क्या स्पाकल है सबसे पहले कहाँ एंटर करा स्पाइरकल में फिर ट्रेकिया ट्रेकिया का स्पेलिंग हो हो ट्रेकिया में फिर ट्रेकिया में देन ट्रेकियोज में देन आपके टिश्यू में गया ठीक है देन आपके टिश्यू में गया थॉरेक्स में दो हैं एब्डोमेन में आठ हैं तो दस पेयर है बच्चे प्रेजेंट ऑन द लिटल साइड सब डिवाइडेड इंटू ट्रेकियोज दे कैरी ऑक्सीजन टू ऑल दार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर रेगुलेटेड बाई स्पिंगस कैसे होता है डिफ्यूजन से हो रहा है मैलपेजन टूब्यूल की कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके सेल ग्लैंडुलर होते हैं और सीलिएटेड होते हैं करेक्ट और ये क्या करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे उसको कहाँ फेंक देते हैं हाइंडगट में और इस तरह का जो आपका एक्सक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक क्योंकि ये क्या एक्सक्रीट आउट कर रहा है यूरिक एसिड ठीक है जी इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड भी होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं अब आ जाओ बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका जो ओके okay. Humans में स्पिंक्टर्स होते हैं बच्चे लेकिन रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में नहीं होते हमारे पानी पी लो पानी पानी पी लो बच्चा अच्छा एक बच्चा मुझे बोल रहा है मैम स्पाइरेकल नहीं है तो ऊपर बॉडी में बच्चे स्पाइरेकल नहीं है लेकिन ट्रेक्योल तो चले गए ना ट्रेक्योल तो चले गए ना अब जरूरी तो ये स्पाइरेकल यहां पे है लेकिन ये देखो ये स्पाइरेकल यहां था लेकिन ट्रेक्योल यहां तक जा रहा है स्पाइरेकल इज द ओपनिंग ट्रेक्यूल तो यहां यहां तक जा रहा है ऐसे ऐसे चला जाएगा समझे ठीक है मैम कैन कॉक्रोच सर्वाइव बाय कटिंग हेड जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तो तुम मुझे आंसर दोगे इस बात का मैं जब पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ा दूंगी ना तो तुम खुद बताओगे कि क्या ये पॉसिबल है कि कॉकरोच की गर्दन काट दें फिर भी वो सर्वाइव कर जाए यू विल टेल मी ठीक है हाँ जी पेन ठीक है पेन ठीक है तुम बताओगे मुझे ये आंसर मैं नहीं बताऊँगी तुम बताओगे और तुम बता पाओगे तुम बता पाओगे इस आंसर को बढ़िया तरीके से बता पाओगे एकदम मस्त तरीके से बता पाओगे आई एम वेरी वेरी श्योर जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ा दूंगी ना पूरा तो आप मुझे बता पाएंगे ठीक है चलो आ जाओ जाओ आप फटाफट से बच्चों फटाफट से फटाफट से करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आ जाओ इसके पास जो दिल होता है ना इसका दिल होता है तेरा चेम्बर वाला सुना है कभी देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एक और होगा तेरा <laughs> तेरह चेंबर वाला इसका दिल होता है ठीक है so, सो थर्टीन चेंबर इसका हार्ट होता है और चेंबर्स जैसे यहाँ बनाए हुए वैसे ही होते हैं मैं भी बना देती हूँ मैं भी अपनी चित्रकारी करके जाऊँगी ज़रा चेंबर्स को बनाने के लिए अच्छा बिफोर वी स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो कॉकरोच होता है ना कॉकरोच का जो बॉडी है ना बच्चे उसकी बॉडी में कैविटीज होती हैं ठीक है थीके? अलग अलग कैविटीज होती हैं और उन कैविटीज को हम बोलते हैं साइनस ठीक है sinus, उन कैविटीज को हम बोलते हैं साइनस जैसे कि द नेम्स ऑफ द कैविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट जैसे मान लो पेरिकार्डियल कैविटी है या पेरिकार्डल साइनस है पेरिकार्डियल साइनस है उसमें हार्ट है उस कैविटी में हार्ट रखा हुआ है देन यू हैव पेरीविसरल साइनस पेरीविसरल साइनस में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक है देन यू हैव पेरी न्यूरल साइनस उसमें आपका नर्वस सिस्टम है ऐसे करके ना इसकी कैविटीज बनी हुई हैं बॉडी की कैविटीज बनी हुई हैं तो इन डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज़ में इसके डिफरेंट डिफरेंट यू नो सिस्टम्स पड़े हुए हैं करेक्ट अब इसके पास ना वी शुड नॉट यूज द टर्म ब्लड हमें यहाँ पे ब्लड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन तुम्हारी किताब ने ब्लड वर्ड यूज करा हुआ है यहाँ हम बच्चे हीमोलिम्फ यूज़ करते हैं द करेक्ट वर्ड टू यूज इन दिस केस इज हीमोलिम्फ इसका जो बॉडी फ्लूड होता है ना ब्लड होता है चलो हीमोलिम्फ होता है वो सफ़ेद रंग का होता है क्रीम से कलर का होता है इसके पास पिगमेंट नहीं होता क्या इसके पास पिगमेंट होना चाहिए अगर इसका रेस्पिरेशन का काम आ, क्या कहते हैं ट्रैक्योज की मदद से हो रहा है तो इसको पिगमेंट की क्या ज़रूरत है कोई ज़रूरत नहीं पिगमेंट की इसलिए इसका जो खून है वो लाल नहीं होगा कलरलेस है प्लाज्मा और हीमोसाइट्स हैं ये हीमोसाइट का क्या काम होता है न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करना गैस तो कर नहीं सकते एक्सचेंज ओके okay. तो हार्ट कैसा है बच्चे इलांगेटेड मस्क्यूलर है मस्क्यूलर लिखा है लेकिन ये न्यूरोजेनिक होता है मायोजेनिक नहीं है न्यूरो नर्व कंट्रोल करेंगे तुम्हारा हार्ट कैसा होता है हाँ ah, तुम्हारा हार्ट कैसा होता है इट इज मायोजेनिक दिस इज लिखा हुआ है मस्क्युलर बच्चे बट मस्क्युलर है लेकिन न्यूरोजेनिक है कंट्रोल कौन कर रहा है रेगुलेट कर कौन कर रहा है न्यू आपके न्यूरॉन्स कहां पे है ये देखो बिल्कुल बीचो बीच बॉडी बीच। के बिल्कुल बीचो बीच इधर ऊपर वाली तरफ डॉर्सल योर हार्ट इज वेंट्रल एंड इट इज नॉट बीच बीच ठीक है इट इज नॉट बीचो बीच तो ये कैसा है बीच में और डॉर्सल सो मिड लाइन में और डॉर्सल छोटी सी बात है समझ में आई हाँ कितने चेंबर्स हैं तेरह चेंबर्स हैं तेरह चेंबर्स हैं तो ये जो कैविटीज थी ना बच्चे ठीक है ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप एंड ओपन इन टू स्पेसिस कॉल्ड हीमोसील दिस कैविटी ठीक है इज नोन एज हीमोसील तो क्या ना सारे के सारे जितने भी आपके ऑर्गन हैं सब ऐसे बस नहा रहे हैं ब्लड में दे आर बेदिंग इन ब्लड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी uh, सिस्टम क्या बोलते हैं इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं करेक्ट करेक्ट अब मैं तुम्हें ना जरा यहाँ पे जैसे ये बनाया हुआ है चलो यहाँ पे थोड़ी कुछ चीज़ें लिख देते हैं कुछ बातें यहाँ पे लिख देते हैं ये बातें बताने वाली हैं सो ब्लड वेस्क्युलर सिस्टम ब्लड वेस्क्युलर सिस्टम कैसा है बच्चे ओपन है कैसा है ओपन है क्योंकि जो आपका ब्लड है या फिर जो आपका हीमोलिम्फ है वो आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें नहा रहे हैं ठीक है सो योर ऑर्गन्स बेद इन हीमोलिम्फ हीमो लिम्फ जिसको ब्लड बोला हुआ है बट द करेक्ट वर्ड टू बी यूज इज हिमोलिम्फ हम इसको ब्लड नहीं बोलेंगे दिस इज विदाउट पिगमेंट विदाउट पिगमेंट इसका काम गैस एक्सचेंज का बिल्कुल भी नहीं न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कर सकता है ठीक है और हार्ट कैसा है वॉट अबाउट द हार्ट थर्टीन चेम्बर्ड हार्ट है तेरा चेम्बर्स हैं हार्ट में आपके और कैसे लगे हुए हैं ये देखो ट्यूबुलर है ठीक है ट्यूबुलर है कैसे मिड डॉर्सल लाइन में है एबडोमिन में और थॉरेक्स में ये प्लेस्ड है ओके अब ये जो आपके चेंबर्स हैं ये कैसे हैं फनल शेप्ड है चेंबर्स हैं है. और ये चेंबर्स बच्चे मैं यहां पे डायग्राम बना रही हूं इन चेंबर्स का देखते जाओ लिखते जाओ मतलब आप भी ड्रॉ कर लो द हार्ट लुक्स लाइक दिस ऐसे 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 तो ऐसे 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 करके आपका पूरा हार्ट बना हुआ है इसको थोड़ा सा और अगर मैं जूम कर दूं ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बड़ा हो जाएगा एक तरफ से छोटा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विल ट्राई टू मेक इट वेरी यूनिफॉर्म नीचे फिर मैंने एक और इसी तरीके से चेंबर बना दिया ठीक है बस को इसको जूम कर दिया अब एक बात नोटिस करना यहां पे ठीक है देखो ये जो है ना ये दीज आर ऑस्टिया कहीं ना कहीं से तो ब्लड जाएगा ना यार कहीं ना कहीं से ब्लड जाएगा ठीक है तो ये ये सॉरी ये जो है ये है आपका ऑस्टिया दिस इज ऑस्टियम, Oste, बहुत सारे ऑस्टिया बोल देते हैं चलो ये भी आपका ऑस्टिया है और ये भी ऑस्टिया है तो छोटे-छोटे से जो यहाँ पे जहां से आपका ब्लड आएगा ना सो so दैट इज ऑस्टिया, ठीक है जी दिस इज ऑस्टिया, जो आपकी बुक में भी लिखा होगा मैं पढ़ देती हूँ कहा हाँ, ब्लड ब्लड फ्रॉम साइनसिस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड इंटीरियरली टू साइनस अगेन तो ये मैंने ऑस्टिया बनाए ठीक है थीके? तो ब्लड ऐसे एंटर कर रहा है और फिर ब्लड पंप कैसे करा जा रहा है ये ये ऑस्टिया है पिचकेगा ठीक है ब्लड आगे पंप हुआ मतलब ये आपका चेंबर है ये आपका चेंबर है पिचका ब्लड आगे पंप हुआ फिर वो चिप पिचका फिर आगे पंप हुआ तो ब्लड कैसे जा रहा है बच्चे ब्लड ऐसे जा रहा है दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड ठीक है दिस इज द दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो कैसे एंटीरियर टूवर्ड्स द हेड जा रहा है ऐसे याद रखो कि सर की तरफ जा रहा है एंटीरियरली आपका यह ब्लड जा रहा है और देखो यहां पर एक और चीज बनाती हूं जिसमें मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया इन को इसका जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए यू हैव मसल्स यू हैव सम मसल्स ये ऐसे यहां होंगी ठीक है ऐसे ही यहां पर होंगी इन मसल्स को हम बोलते हैं एलरी मसल्स दीज आर नोन एज एलरी मसल्स अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे आपको कि एलरी मसल्स कितनी होती हैं अगर आपके पास तेरह चेंबर्स हैं और ये दो चेंबर के बीच में है आपकी तेरह चेंबर है तुम्हारे पास और ये दो चेंबर के बीच में तो एलरी मसल्स कितनी हो गई बारह कितनी हुई ट्वेल्व पेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट कितनी हो गई ट्वेल्व पेयर्स हो गई राइट एंड वॉट इज द मूवमेंट ऑफ द ब्लड द ब्लड मूव इंटीरियरली इन हार्ट ठीक है जी तो कैसे मूव कर रहा है ये फनल शेप्ड आपके चेंबर्स थे वेद ऑस्टिया ठीक है एंड ब्लड मूव Anteriorly in body ऐसे this is the flow of blood ये कुछ बातें याद रहेंगी you have to read animal tissue for 2024 ट्वेंटी फोर आपको ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए याद रखना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा बताओ चलो क्या चीज है जो अब आ, आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में नहीं समझ में आई है फटाफट से बता दो सो दैट वी मूव टू नर्वस सिस्टम बताओ बच्चों नहीं समझ में आया तो भी बता दो समझ में आ गया तो भी बता दो कितना टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए वन एंड हाफ बताओ बोलो 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 फटा फटाफट से बोल दो फटाफट से बोल दो ठीक है ओके चलो एक बार फिर से देख लो कि जो हार्ट है उसके पास तेरह चेंबर्स हैं ऐसे ऐसे ट्यूबुलर है, है। हार्ट कैसे है ट्यूबुलर है तेरह चेंबर्स हैं ठीक है तेरह चेंबर्स हैं हेड में नहीं है थॉरेक्स और एब्डोमेन में है क्स और एबडोम में है तेरा चेंबर्स हैं अब इन तेरह चेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए आपके पास है चेंबर्स के बीच में एलरी मसल्स है। दो चेंबर्स के बीच में आपका एक एलरी मसल्स का पेयर है तो कितने हो गए बारह पेयर्स हो गए है <coughs> ना बारह पेयर्स हो गए करेक्ट और एक बात मैंने आपको बताया कि ये जो चेंबर्स है ना इन चेंबर्स में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है बच्चे इस डायरेक्शन में एंटीरियर डायरेक्शन में ठीक है एंटीरियर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है चलो करेक्ट <coughs> और यस वी ऑल्सो हैव ऑस्टिया जिनके थ्रू बच्चे ब्लड एंटर कर जाएगा ये ये जो यहाँ पे स्पेसेस हैं ना ये ये ऑस्टिया है जिनके थ्रू ब्लड एंटर कर जाएगा और जो आपके ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे वो पुअरली डेवलप्ड है मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लड वेसल्स

अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की इसका नर्वस सिस्टम भी कोई बहुत एडवांस नहीं है लेकिन पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगी तभी आपको लाइन समझ में आएंगी जो एनसीआरटी में दी हुई है ओके ठीक है पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगी बच्चे तभी आपको जो लाइंस हैं वो समझ में आएंगी कि क्या लिखा हुआ है अब आपकी जो किताब बोलती है या किताब ना भी बोले तो भी जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो सर में थोड़ा सा ही होता है और कौन सा पार्ट होता देखना ठीक <coughs> है कौन सा पार्ट होता देखना राइट right. देखो <coughs> आप ये डायग्राम बना लेना ये मैंने क्या बनाया बच्चों ये मैंने बनाया गैंगलियन मैं इसको और बड़ा बनाती हूँ और बड़ा बनाते हैं ये हाँ अब ठीक है ये मैंने क्या बनाया ये मैंने बनाया गैंगलिया गैंगलिया क्या होता है गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो आता होगा ना है ना एग्जॉन होता है दैट लॉन्ग पार्ट इज एग्जॉन जो बॉडी होती है साइटोन जो होता है बॉडी देन यू हैव डेन तो जो बॉडी uh, वाला पार्ट है ना जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो इकट्ठा हो जाए तो मैं उसको गैंग्लिया बोल देती हूँ तो समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे जो आपका बॉडी वाला पार्ट है ना न्यूरॉन का वो इकट्ठा हो गया और उसने क्या बना लिया गैंग्लिया बना लिया क्या बना लिया बच्चे गैंग्लिया बना लिया ठीक है अब ऐसे ही बहुत सारे और गैंग्लिया इकट्ठा हो गए ठीक है फिर और इकट्ठा हो गए दो -दो, दो 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 मैं बनाते जा रही हूँ बनाते जा रही हूँ ऐसे ऐसे करके अब पूरी बॉडी में ऐसे ही चल रहा है सर में बहुत कम पार्ट है <coughs> अब देखो ये जो आपके गैंगलिया हैं they are going to be joined like this ऐसे जुड़ गए बच्चे ऐसे करके ऐसे करके और यहाँ से ऑब्वियसली आपके नर्वस जाएंगे ठीक है यहाँ से आपके नर्व जाएंगे हमें जो एक चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये वाला जो आपका यहाँ पे गैंगलिया बना ठीक है दिस इज दिस वन ये जो मैंने ऊपर बनाया दिस वन इज सुपरा ईसोफेरेंशियल गैंगलियन सुपरा ईसोफेरेंशियल गैंगलियॉन इनफैक्ट आप इसको थोड़ा और ऐसे पास में बना सकते हैं ऐसे करके सुपरा नीचे लिख रही हूँ नीचे क्योंकि ऊपर मुझे इसके नव्स भी बनाने पड़ेंगे सुपरा सुपरा ईसोफेरेंशियल गैंगलियन ठीक है ऐसे करके हमने बाकियों के गैंगलियोन के भी नाम दे दिए हैं ये सुपरा है ऊपर वाला है तो इसके नीचे आ, मतलब दिस इज आपका ईसोफेजियल क्या कहते हैं आपका ईसोफेगस फेरेंजियल के ऊपर है तो सुपरा ईसो बोल दिया ये उसके नीचे तो मैं इसको सब ईसोफेरेंजियल बोल दूंगी फिर यहाँ पे आपके थ्रेसिक वाले आ जाएंगे वो सबके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे करके नीचे और भी आते रहेंगे आई एल टेल यू कि कहाँ पे कितने पेयर होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगी ठीक है आई एल टेल यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो नर्व्स आपकी निकलेंगी ठीक है ऐसे करके कुछ ना कुछ नर्व्स तो निकलेंगी यार आपके ब्रेन से भी तो निकलती हैं करेक्ट तो यहाँ पे जो नर्व्स निकलेंगी बच्चे आपकी एंटीना में जाएंगी आपकी आँखों में जाएंगी और सर्वाइकल uh, में जाएंगी उससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ठीक है इतना याद रखो तुम तुम सिर्फ इतना याद रखो तो यहां से जो नर्व जाती हैं वो किसके अंदर जा रही हैं बच्चे वो जा रही हैं आपके एंटीना में ठीक है एंटीना में गया, प्लस योर आईज में ठीक है कंपाउंड आईज कंपाउंड आईज में तो जो कंपाउंड आइज वाला होता है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोल देते हैं जो एंटीना वाला होता है उसको हम एंटीनरी बोल देते हैं यहाँ लिखना है तो तुम लिख भी सकते हो दिस वन इज एंटीनरी लेट से दिस वन इज एंटीनरी नर्व ठीक है लेट से दिस वन इज ऑप्टिक नर्व ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया यहाँ आपका सर्वाइकल भी जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं है तुम इसको स्किप भी कर सकते हो सर्वाइकल नर्व भी यहाँ पे आपका जाता है आपके सिलेबस में सिर्फ इन दो की बात करी है सर्वाइकल की बात ही नहीं करी हुई है क्या ये बात समझ में आई क्या किसी को बोलो माउथ में भी जाएगा बिल्कुल जाएगा यहाँ पे एक लेबरल नर्व भी होती है एक्चुअली लेबरल नर्व भी रहती है आपकी वो भी रहती है बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बच्चे इनफैक्ट सर्वाइकल भी नहीं दिया जहां तक मुझे याद है आपके इसमें सर्वाइकल भी नहीं दिया मैं पढ़ देती हूँ देखो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉक्रोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेन्ज गैंगलिया ज्वाइंट बाई पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड ये देखो <coughs> ये दिख रहे हैं आपको पेयर्ड कनेक्शन ऑन द वेंट्रल साइड दिख रहे हैं कैन यू सी दैट थ्री गैंग्लिया लाई इन थॉरेक्स तीन आपके थॉरेक्स में है छे आपके एबडोमिन में हैं तो टोटल कितने हो गए तीन प्लस छ नौ हो गए तीन हो गए आपके थॉरेक्स में छ हो गए एबडोमिन में द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी द हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल साइड बेली साइड नीचे की तरफ ठीक है सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू कट द हेड ऑफ अ काक्रोच इट विल स्टिलिव फॉर वन वीक क्यों क्योंकि उसके ब्रेन में uh, क्योंकि उसके न, उसका जो हैड रीजन है ना वहाँ पर कुछ ज्यादा है ही नहीं कुछ चीज़ें ज्यादा है ही नहीं इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रजेंटेड बाई सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियॉन विच सप्लाइज नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना आइज मैगजिलरी पैल्प लेबियल पैल्प एनल सरकाई एट्सेट्रा द कंपाउंड आई इज सिचुएटेड एट द डॉसर सर्फेस ये हम पढ़ चुके हैं ईच आई कंसिस्ट ऑफ टू थाउजेंड हेक्सागोनल ओमटेरिया विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीरिया द काक्रेच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस और उसकी वजह से जो उसका विजन होता है वो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन सेंसिटिविटी उसके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाती है सेंसिटिविटी उसके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाती है ठीक है फिर से समझ लो फिर से समझ लो क्या लिखा है देखो यहां पे यू हैव है और जुड़े हुए हैं राइट right? देखो देनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड ये जुड़े हुए हैं ऑन द वेंट्रल साइड जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं बिल्कुल जुड़े हुए हैं ठीक है जी चलो थ्री गैंगलिया इन दॉरेक्स मैं यहां लिख देती हूं यू हैव दिस इज बेसिकली योर ब्रेन इसको हम ब्रेन भी बोल रहे हैं ठीक है बच्चों थ्री गैंग्लिया इन थॉरिक्स ठीक है सिक्स गैंग्लिया इन एपडोम ठीक है और ये वाली बात भी हम यहां लिख चुके हैं कि ये जो आपका सुपरा ईसोफेरेंशियल गैंगलियन है इसी से आपकी नर्व जा रही है एंटीना के लिए भी और कंपाउंड आइज के लिए भी डन अच्छा एक और चीज लिखो जो हेड है उसमें थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम होता है हेड लिटल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम थोड़ा सही है इसलिए जब तुम इसका सर काट दोगे जिंदा रहता है लेकिन एक हफ्ते तक वो सर काट दे तो खाएगा कहां से मर जाएगा एक हफ्ते के बाद इसलिए मर भी जाएगा सो सो वेंट्रल पार्ट में वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी वेंट्रल पार्ट मोस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम तो इफ हेड इज कट कैन सर्वाइव फ्यू डेज क्यों? क्योंकि सर के अंदर नर्वस सिस्टम ही नहीं है थोड़ा सा है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मर जाएगा क्यों? क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा सर काट दिया तो माउथ पार्ट नहीं है ना ठीक है करेक्ट ठीक है जी समझे बहुत बेचारा तड़पेगा समझ में आया भूख से मर जाएगा वो भूख से मर जाएगा और क्या है सेंसरी ऑर्गन्स आपके यहां पे? <laughs> और सेंसरी ऑर्गन्स क्या थे हमारे एंटीना था एंटीना अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है क्लियर हुआ है या नहीं बेचारा बेचारा करके तुम तो उसका वो कर रहे हो ठीक है एंटीना है बच्चे और क्या है आईज हैं राइट right, पैल्प्स हैं आपके पास लेबियल मैंने आपको दिखाई भी थे पैल्प्स लेबियल एंड मैग्जिलरी पैल्प्स और क्या था बच्चे एनल का ये सब क्या है दीज आर ऑल सेंसरी ऑर्गन्स ठीक है दीज आर ऑल सेंस ऑर्गन्स काम इनका वही है काम इनका वही है ये देखेंगे कि भाई <coughs> खाना वाइब्रेशन स्मेल ये सब इनका काम रहेगा ये सब इनका काम रहेगा अब इसके बाद तुम्हें क्या कराया जाएगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है चलो ये बोल रहे हैं कि जो कॉकरोच होता है वो डाइशस होता है ठीक है कॉकरोच क्या होता है बच्चे डायशस होता है बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टीज ऑन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड अब सुनते जाओ इसको ए इन द फोर्थ एंड सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट आई एम वेरी सॉरी देखो ये देखो ये है तुम्हारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है ये है तुम्हारा मेल का रिप्रोडक्टिव अरे यार ये कौन कॉल कर रहा है अरे यार मैम कॉकरोच कैन सर्वाइव बाय गिविंग न्यूट्रिएंट एक्सटर्नली बाय कटिंग ऑफ हेड बच्चे अगर आप उसको आप एक्सटर्नली कैसे दोगे उसमें छोटा सा वो कुछ ट्यूब लगा के दोगे ये बोल रहे हो तुम हाँ उसको सपोर्ट करोगे वेंटिलेटर वगैरह पे लगाएंगे हम उसके अंदर हम ग्लूकोज डालेंगे हाँ ये बात कर रहे हो क्या देन देन uh, इतना ध्यान कौन रखेगा कॉकरोच का आई नो आई नो कॉकरोच के बारे में तो तुम्हें इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ रही है ना जितना तुमने अपने बारे में भी नहीं याद करनी पड़ रही होगी है ना करेक्ट इतनी बातें तुम कॉकरोच के बारे में याद कर रहे हो ना कि भाई इतनी बातें तुमने अपने बारे में नहीं याद करियोगी कॉकरोच थोड़ा सा ठीक है कॉकरोच थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा है ठीक है हेड रीजन में माउथ भी आता है बच्चे इसलिए तो माउथ भी चला जाएगा ना माउथ चला जाएगा तो वो खाएगा क्या कुछ नहीं खाएगा फिर वो मर जाएगा फिर वो मर जाएगा करेक्ट अच्छा चलो अब लास्ट टॉपिक्स रह गए हमारे पास विच इज द रिप्रोडक्टरी सिस्टम ठीक है चलो आ जाओ तो अगर हम बात करें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो ऑब्वियसली मेल है तो इसके पास क्या होगा बच्चे वन पेयर ऑफ टेस्टीज अब आपको टेस्टीज थोड़ी सी ऐसे ऐसे दिख रही हैं लेकिन ये एक है ठीक है ये एक है और ये दूसरी है कितनी टेस्टिस है मैं यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन लिख दूंगी सो यू हैव वन पेयर ऑफ इसको बिल्कुल लाल कर देंगे वन पेयर कितना है एक पेयर है मतलब दो है ठीक है कहा है लेटरल साइड पे है लेटरल पे ही बनाई हुई है लेटर बीच में तो नहीं बनाई सबसे जरूरी बात है कि आपको पूछेंगे कौन से सेगमेंट में होती है आपको पूछेंगे कौन से सेगमेंट में होती है ठीक है बच्चे तो फोर्थ टू सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट अच्छा इसमें और देखो क्या क्या चीजें हैं अब मैं एक एक करके तुम्हें वो सारी चीजें बता देती हूं ठीक है जी चलो आ जाओ <coughs> टेस्टिस में क्या बनेंगे टेस्टिस में आपके स्पम बनेंगे स्पम बच्चे फिर कहां जाएंगे देखो अभी ये वाली चीजें छोड़ दो टेस्टिस के बाद यहां से निकले स्पम स्पम कहां गए डिफरेंस में गए कहां गए वास डिफरेंस में गए क्योंकि इसका पाथवे दूसरा मोस्ट आस्ट क्वेश्चन यही है कि पाथवे क्या है आपका स्पम का तो स्पम यहां बने और ये दिख रहा है ये ये क्या ये जो ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द वास डिफरेंस दिस इज मैंट फॉर द पैसेज ऑफ द स्प उसके बाद स्पम कहां जाएंगे उसके बाद आपके स्पम जाते हैं सेमिनल वेसिकल में ठीक है यहां कहीं पीछे आपको सेमिनल वेसिकल होगा सो समवेयर हेयर पीछे आपको सेमिनल वेसिकल मिलेगा वहां पे स्पम स्टोर होंगे ठीक है द स्प विल बी स्टोर इन सेमिनल वेसिकल ये पाथवे में पूरा बनाऊंगी तुम्हारे लिए डोंट वरी फिर उसके बाद बच्चे आप देख रहे हैं कि यहां पर स्टोर हुए जब इसको स्पम निकालने मीटिंग होगी तो यहाँ से स्पम निकलेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं ये क्या ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिया ये क्या इजैक्यूलेटरी डक्ट व्हाट इज दिस दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट ठीक है फिर उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर देख पाएंगे विच इज बच्चे मेल जेनाइटल पोर ठीक है उसके बाद क्या है मेल जेनाइटर पोर आएगा जिसके थ्रू आप फिर बाहर निकाल देंगे ठीक है जी ओके okay. उसके थ्रू आप बाहर निकाल देंगे और बाहर कहां जाएगा बाहर कहाँ जाएगा फीमेल स्ट्रक्चर में कहां पे जाके आपके ये स्पर्म डिपॉजिट होंगे इन स्पर्मथिका फीमेल के पास कुछ पाउच होते हैं ठीक है थीके? जिनको हम बोलते हैं स्पर्मथिका अब ये जो मेल है ना अपना स्पर्म स्पर्मथिका में डिपॉजिट कर देगा स्पर्मथिका में डिपॉजिट करने के बाद ना फीमेल ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली यूज कर लेगी जब बच्चे जब बच्चे फीमेल के एग्स भी बन जाएंगे मेच्योर हो जाएंगे तो फीमेल उन स्पम्प को यूज करेगी फर्टिलाइजेशन करवाएगी एंड अपने एग्स को पैक कर देगी ठीक है अपने एग को पैक कर देगी दिस इज अनदर स्टोरी लेकिन पहले हम मेल को थोड़ा सा देख लेते हैं अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पाथवे क्या है ठीक है यू शुड नो द पाथवे तो पाथवे मैं यहां लिख रही हूं इस तरफ फिर उसके बाद में जो दूसरे स्ट्रक्चर थी उनकी बात करूंगी कि उनका क्या रोल है इस सब में सो so पहले हम लिखेंगे पाथ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्या पाथ है स्पम्स का कहां से निकलेंगे टेस्टिस से निकला स्पम्स फिर कहां गया था वा से डिफरेंस ठीक है बच्चे फिर कहाँ गया था कहां पे जाके स्टोर हुआ था कहां पे जाके स्टोर हुआ था सेमिनल जाके स्टोर हो गया था उसके बाद क्या था फटाफट से फटाफट से एवरीबडी 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 यार जल्दी जल्दी बताओ अभी अभी मैंने बताया तुम्हें ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा फटाफट से फटाफट से यस सेमिनल वेसिकल के बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट में गया था ये बहुत बार पूछा गया पी वाई क्यू है इजैक्यूलेटरी डक्ट में गया था फिर कहाँ गया बच्चे फिर कहाँ गया इन मेल जेनाइटल पोर बाहर भी तो निकलेगा ना मेल जेनाइटल पोर बाहर भी निकलना है उसको और फिर फीमेल के स्ट्रक्चर में हम इसको डाल देंगे कहाँ स्पर्मथिका विच इज प्रेजेंट इन फीमेल अब ये फीमेल में जा रहा है अब जो मैं नाम लिख रही हूं दिस इज प्रेजेंट इन फीमेल स्पर्मथिका ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कोप्यूलेशन ठीक है कोप्यूलेशन के टाइम ये इसको डिपॉजिट कर देगा कहां स्पर्मथिका ऑफ फीमेल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मैं यहां पे स्टार लगा रही हूँ ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो इसी तरह के एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बताओ कौन से सेगमेंट में टेस्टीज होती हैं कौन से, से सेगमेंट में ओवरीज होती हैं ओवरीज का क्या पाथवे सॉरी जो एग है उसका क्या पाथवे रहेगा दीज आर इंपॉर्टेंट दीज आर इंपॉर्टेंट या फिर लेबलिंग पे आ जाएंगे उससे ज्यादा कोई कुछ पूछेगा नहीं बट हम आगे जाके चलो डिस्कस करते हैं सारी चीजें अब बच्चे यहाँ पे आपका होता है एक मशरूम ग्लैंड ठीक है यस yes. यहाँ पे आपका होता है एक मशरूम ग्लैंड ये दिख रहे हैं कैन यू सी यहाँ पे कुछ छोटे 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 ट्यूब्यूल दिख रहे हैं तुम्हें और कुछ बड़े, बड़े 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 टिब्यूल दिख रहे हैं कैन यू सी दिस अब इसका जो अपीयरेंस है मशरूम के जैसा इसलिए हम इसे मशरूम ग्लैंड बोलेंगे तो यू कैन सी सम स्मॉल 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 यू कैन सी सम लॉन्ग 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 टिब्यूल ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका मशरूम ग्लैंड इसका काम नरिशमेंट का होता है इसका काम क्या होता है बच्चे नरिशमेंट का ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेगमेंट में है ट इन दिक्स एंड सेवेंथ सेगमेंट एबडोम सेगमेंट क्या काम है नरिशमेंट का काम है देन यू ऑल्सो हैव यहाँ पे मुझे एक और दिख रहा है फैलिक ग्लैंड दिख रहा है ठीक है आई कैन सी दिस ग्लैंड फैलिक ग्लैंड यहाँ ये पीछे की तरफ छुपा हुआ दिख रहा है फैलिक ग्लैंड फैलिक ग्लैंड का क्या परपोज होता है बच्चे इसका जो सिक्रीशन है ना Uh, कॉकरोच में क्या होगा ना कि स्पम बने देखो मैं यहां तुम्हें ठीक है इधर बताती हूं. ये आपके हैं ठीक है ठीके? ये स्पम बन गए अब स्पम ऐसे नहीं जाएंगे कि एक एक एक, एक करके जा रहा है स्पम ऐसे नहीं जाता ठीक है स्पम ऐसे नहीं जाएगा स्पम को हम uh, एक बंडल से में एक बंडल से में एक पैकेट से में डाल देंगे ठीक है बच्चे एक पैकेट से में डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटो फोर इसको हम क्या बोलते हैं इस बंडल को इस पैकेट को हम बोलते हैं स्पर्मेटो फोर और इसके चारों तरफ तीन लेयर्स होती हैं इसके चारों तरफ तीन लेयर्स होती हैं तो एक लेयर कौन देता है एक लेयर फैलिक ग्लैंड देता है ठीक है एक लेयर फैलिक ग्लैंड देता है बच्चे और बाकी लेयर मशरूम ग्लैंड से भी आते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल से और लॉन्ग ट्यूब्यूल से तो मैं यहाँ लिख देती हूं ये क्या है आपका ये बना एक लेयर, ग्रीन कलर तो मैं दिखेगा नहीं शायद पर्पल से बनाते चलो ये बना दूसरा लेयर और ये बना देखी जाएगा शायद ग्रीन ये बना तीसरा लेयर तो तीन लेयर बने अंदर क्या है अंदर आपके स्पर्म्स हैं अंदर क्या है बच्चे अंदर स्पर्म्स हैं ये रेड कलर में क्या है स्पर्म्स हैं ठीक है ठीके? और ये जो बाहर वाला लेयर है दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फैलिक ग्लैंड बाहर वाला लेयर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बाय ग्लैंड ठीक है और जो अंदर वाले लेयर्स हैं इनर मोस्ट एंड द सेकेंड लेयर दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द योर स्मॉल टिब्यूल एंड लार्ज टिब्यूल ठीक है uh, layer, the, your, uh, tubule, तो ब्लू कलर से लिखा है ना इसको तो ब्लू कलर से ही लिखेंगे ना ये लो सबसे इनर मोस्ट बच्चे किसने बाय स्मॉल टिब्यूल ठीक है और जो आपका ये वाला है बाय लार्ज ट्रिब्यूल ठीक है जी ठीक है जी ठीक है पता चला कुछ राइट right, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना इसको हम बोलते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पर मैटो दिस इज सराउंडेड बाय थ्री लेयर्स इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पर मैटो ठीक है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर मैटो ये कहाँ जाके डिपॉजिट होंगे स्पर्म थिका ऑफ फीमेल और फीमेल फिर इसको तोड़ देगी तोड़ के इसमें से स्पर्म निकालेगी और फर्टिलाइजेशन करवाती रहेगी ठीक है फर्टिलाइजेशन करवाती रहेगी डन थोड़ा सा थोड़ा सा बस कुछ 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 थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसमें अब हमने हर एक चीज का फंक्शन देखा फैलिक ग्लैंड का क्या फंक्शन है इनका क्या फंक्शन है फेमिनल वेसिकल स्टोर करने के लिए वास्ट डिफरेंस आपके आ, क्या कहते हैं पैसेज है देन यू हैव अच्छा अब फेलोमेयर की बात करते हैं उससे पहले देखो ये जो आपका यहाँ पे टिटिलेटर दिया हुआ है और पेनिस दिया हुआ है कॉर्डल स्टाइल दिया हुआ है ये सब आपके कॉप्यूलेट कॉप्यूलेशन में हेल्प करते हैं टिटिलेटर स्यूडोपेनिस एंड कॉर्डल स्टाइल किस में हेल्प करते हैं कॉप्यूलेशन में हेल्प करते हैं ठीक है तो इन सबके फंक्शन मैंने आपको बताए एनल सरकाई मैंने आपको बताया था कि ये एक सेंसरी एक सेकेंड एक सेकेंड सुन रहे है मैं बार बार बेल बज रही है चलो पिज्जा नहीं आया पिज्जा नहीं आया चलो बच्चे देखे टिटिलेटर, स्यूडोपेनिस कॉडल स्लाइल, दे आर ऑल योर कॉपुलेटरी मतलब एक कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे मेटिंग में हेल्प करेंगे अब हमारे पास फेलोमेयर क्या होता है इस चीज़ पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं देखो बच्चे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ना या फिर उसको हम बोल देते हैं गोनेपोफाइसिस मेरी बात समझो <coughs> इसको थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज देर आर सो मेनी टर्म्स जो कि यहाँ पे मेल के लिए दे दी गई हैं फीमेल के लिए भी फीमेल थोड़ा सा सिंपल है मेल थोड़ा ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं तो जो आपका मेल का स्ट्रक्चर है ना एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा विच इज गोइंग टू हेल्प इन कॉपुलेशन में हेल्प करेगा मतलब जो फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करेगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट फीमेल को होल्ड करना पड़ेगा इसको एंड कैसे होल्ड करेगा देखो जो आपके कॉकरोच रहते हैं ना दिज uh, कॉकरोच ना ये देखो बच्चे ऐसे करके अस से दिस इज वन कॉकरोच ठीक है ये इसका हेड है एंटीना है ठीक है एंड अस से दिस इज य फीमेल कॉकरोच ठीक है तो ये इस तरीके से कोप्युलेशन करते हैं ऐसे तो फीमेल को होल्ड करने में कुछ चीजें काम आएंगी विच इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इन होल्डिंग द फीमेल करेक्ट यहां इनकी टांगे हैं ठीक है चलो अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है जिसको हम गुनापो बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या हुआ था जिसको हम बच्चे बोल देते हैं गो नैपो फाइसिस गो नैपो फाइसिस यही हेल्प करेगा ना ठीक है यही हेल्प करेगा ना सो so, अब आपका एक होता है मेल जेनाइटल पोर मेल जेनाइटल पोर क्या है यहां पे होता है मेल जेनाइटल पोर यहां होगा ये जो आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट था ना यहां से स्पम निकलेंगे बच्चे ठीक है दिस इज पोर दिस जैसे रुको मैं यहां पे एक डायग्राम और बनाते हैं ये मान लो तुम्हारा मेल कॉकरोच है ठीक है ये तुम्हारा मेल कॉकरोच है ऐसे करके और यहां पे इसका इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पे ओपन हुआ ठीक है इधर ओपन हुआ थोड़ा सा जूम करो इधर ओपन हुआ तो so ये इसका मेल जनाइटल पोर हो गया ये इसका मेल जेनाइटल पोर हो गया यहीं से आपके क्या आएंगे स्पम आने वाले हैं करेक्ट अब ये बोल रहे हैं कि इसके आजू बाजू में आपको मिलेंगे कुछ काइटिन के ऐसे काइटिन के कुछ शीट मिलेंगे ऐसे करके उसको हम बोल देते हैं बच्चे योर फेलोमियर्स जैसे कि यहां पे दिख रहे हैं फेलोमियर्स ये जो फेलोमियर लिखा हुआ ना लेफ्ट फेलोमियर ठीक है यहां पे लिखा हुआ है वेंट्रल फेलोमियर यहां पे लिखा है राइट फेलोमियर ये किसके आजू बाजू में है ये इसी के आजू बाजू में तो है ये बात है बस ये बात है बस समझ में आया फिर से समझ लो दिस वॉज द इजैक्युलेटरी डक्ट ये आपका मेल जनाइटल पोर था दिस इज सराउंडेड बाई काइटिनस काइटिनस स्ट्रक्चर्स जिसको आपने फेलोमियर बोला या फिर गुनापोफाइसिज बोल दिया यहां लिख देती हूं मैं मेल जेनाइटल पोर एज सराउंडेड बाय काइटिनस स्ट्रक्चर्स जिनको आप बोलोगे फेलो मियर्स ठीक है या फिर बच्चे आप इनको क्या बोल दोगे गोनेपो फाइसिस आपके लेफ्ट है राइट right है, वेंट्रल है, ये दिए हुए ना यहाँ पे ये बात है बताओ मुझे समझ में आया ये बोलो ये बात अगर समझ में आ गई ना तो मतलब सब समझ में आ गया तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया ये थोड़ी सी ट्रिकी सी बात थी ठीक है चलो अब देख लो ये वाली बात हमने करी कि कहाँ पे हमारे टेस्टीज रहते हैं ठीक है जी आ, फिर वो कहाँ ओपन होते हैं बच्चे वास में फिर वो कहाँ ओपन होते हैं सेमिनल वेसिकल में देन इजैकुलेटरी डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट आपका कहाँ खुलेगा मेल गोनोपोर ठीक है मेल गोनोपोर या फिर मेल जेनाइटल पोर एक ही बात है ओके okay, चलो व्हिच इज सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस व्हिच इज सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस एनस अगर यहाँ है तो यहाँ पे आपका मेल जेनाइटल पोर है ओ माई गॉड सो मच टू लर्न

जो कि सराउंडेड है विद काइट स्ट्रक्चर्स जिसको जो बच्चे कहाँ हैं किसके आसपास है मेल गोनोपोर के आसपास है द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिलर वेसिकल आर ग्लू टूगेदर टू फॉर्म बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स ठीक है जो कि पॉपुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ओवरीज ये आ जाओ तुम फीमेल का इज ईजी फीमेल का इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी इजी ठीक है चलो फीमेल का इज कम्पेरेटिवली वेरी वेरी ईजी फीमेल का काफी हद तक तुम्हें बहुत ईजी लगेगा देखो फीमेल का क्या है दो ओवरीज हैं ये जो बड़ी बड़ी सी दिख रही है ना यहाँ पे ये ये ओवरी हैं अब कितनी ओवरी हैं दो ही तो हैं तो एक पेयर है ओवरी का तो बहुत मोटा लग दिया तो यू हैव वन पेयर ओवरी का कितना पेयर है बच्चे वन ठीक है दे आर क्वाइट लार्ज कहाँ पे हैं दो से छठे एबडोमिनल सेगमेंट में ठीक है तो काफी बड़ी है ओवरीज राइट और यहां पे कैन यू सी दीज लाइंस? ये ये कुछ चेंबर्स दिख रहे हैं यहां पे, ये हैं आपके ओवरियोल्स। तो यहां पे आपको क्या दिखेंगे यहां पे आपको इस तरीके से ग्रोइंग ओवम दिखेंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ठीक है ऑब्वियसली जो मेच्योर होगा वो इधर होगा क्योंकि इसके बाद उसको यहाँ जाना है ओवीडक्ट से होते हुए वो वेजाइना से होते हुए यहाँ पे जो फीमेल का जिनाइटल पोर है वहाँ से इधर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा ठीक है जी चलो तो हम क्या लिखते हैं कि टू टू सिक्स हैं एबडोमिनल सेगमेंट में हैं एंड दे हैव एट ओवेरियोल्स है ना मैं भी थक चुकी हूँ मैं भी अब थक चुकी हूँ जिसके अंदर क्या है बच्चे कंटेन ओवा जिसके अंदर ओवा होंगे एग होंगे देन ओवरी के बाद क्या आएगा यार ओवी डक्ट आएगा ऑब्वियसली दोनों ओवरी की ओवी डक्ट आ गई दोनों ओवरी की ओवी डक्ट मिलकर कॉमन ओवी डक्ट बनाएगी जिसको हम वेजाइना बोल देते हैं ठीक है जिसको हम वेजाइना बोल देते हैं राइट एंड कैन यू सी हियर दिस स्ट्रक्चर ये वही स्ट्रक्चर है बच्चे जहां पे आपके स्पम आके स्टोर होंगे ठीक है देखो स्पर्मथिका स्पर्मथिका का क्या काम था स्पर्म को स्टोर करना इसका काम था तो यहां पे इसने स्टोर कर लिया स्पर्म्स को अब जब एग यहां पे आएंगे ना तो ये यह यहां से स्पर्म भी निकाल निकाल के फर्टिलाइज करती रहेगी ठीक है स्पर्म को भी निकाल के फर्टिलाइज करती रहेगी जैसे जैसे स्पर्म फर्टिलाइज जैसे जैसे एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते रहेंगे तो जो फर्टिलाइज एग है आपके स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं करेगी एग को फर्टिलाइज करेगी तो यहां पे स्पर्म है यहां से एग आ रहे हैं एग को फर्टिलाइज करती रहेगी क्योंकि यहाँ पे स्पर्म स्टोर करे हुए ना जब आपके एग्स फर्टिलाइज होते जाएंगे तो ये दिख रही है ये ब्रांच सी चीज ये दिस दिस इज नोन एज कोलेटेरियल ग्लैंस इनको क्या बोलते हैं कोलेट्रियल ग्लैंस बोलते हैं दीज कोलेट्रियल ग्लैंस आर गोइंग टू सिक्रीट अ स्ट्रक्चर जो आपके एग्स को इकट्ठा कर देगा और ऊ थेका में कॉम्पैक्ट करके रिलीज करेगा सुनो फिर से सुनो पहले तो मैं इसका पाथवे लिख देती हूं वॉट इज द पाथवे ऑफ वॉट इज द पैसेज ऑफ ओवा एक कॉकरोच का ना ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझना पड़ता है ध्यान लगाना पड़ता है इसमें ठीक है चलो तो हम शुरू करेंगे ओवरी से ओवरी से बच्चे कहां गया था ओवरीज से ड में गया था ठीक है ओवी डक्ट में गया था ओवी डक्ट से कहाँ गया था वे जाइना में गया था विच वॉज Ov डक्ट था ठीक है फिर उसके बाद कहाँ गया फीमेल जेनाइटल पोर में गया ठीक है फीमेल जेनाइटल पोर में चला गया ओके okay जी ये देखो ये जो यहां पे स्ट्रक्चर दिया हुआ ना ये वाला ये क्या है दिस इज योर जेनाइटल पाउच ठीक है यहीं पर बच्चे एग भी रिलीज होंगे यहीं से यह स्पर्म भी रिलीज करेगी और फिर दोनों को फर्टिलाइज कर देगी एग आपके फर्टिलाइज हो जाएंगे फर्टिलाइज एग के ऊपर ये जो आपका कोलेटेरियल ग्लैंड है ये एक कवरिंग चढ़ा देगा उस कवरिंग चढ़ाने के बाद आपके जो एग्ज हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऊ थीका बन जाएगा तो इसका क्या काम है इसका काम है इसके जो सिक्रिशंस होंगे एक्चुअली रहने दो मैं यहाँ नहीं बताती इसको अलग पेज पे तुम्हें बता देती हूँ अलग पेज पे बताया जाएगा इसको तुम्हें यहाँ बताती हूँ ठीक है फीमेल जेनाइटल पाउच में क्या हो रहा है फीमेल जेनाइटल पाउच में फर्टिलाइजेशन होगा बच्चे कहाँ था फीमेल जेनाइटल पाउच ये था दिस इज द फीमेल जेनाइटल पाउच यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन जब होगा तो आपके जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनके ऊपर देयर विल बी सिक्रीशन्स ऑफ सिक्रीशन्स ऑफ जो आपका ये ग्लैंड था कि <laughs> कितने बच्चे यहां रह गए हैं अभी कोलेटेरियल ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा और बच्चे आपके नौ से दस नाइन टू टेन ऊ बन जाएंगे और मैं आपको बताती हूं कि कैसे बन रहे हैं ठीक है आई टेल यू आई लेट यू नो कैसे बन रहे हैं ऊ थिका कैसे बनेगा ये आपके एग्स हैं फर्टिलाइज एग्स हैं ठीक है कितने ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और भी डाल सकते हैं फोर्टीन ठीक है ठीक है फोर्टीन टू सिक्सटीन आपके क्या हो गए एग्स इकट्ठा हो गए उनके ऊपर किसका सिक्रीशन गया उनके ऊपर सिक्रीशन गया आपके आपके कोलेट्रियल ग्लैंड का और ये क्या बन गया दिस गेट्स कन्वर्टेड इन टू ऊ था ऊ थका में कितने एग्ज होते हैं फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स कैसे एग्ज हैं फर्टिलाइज हैं फर्टीलाइज हैं फिर ये अपने इन ऊ थका को कहीं ना कहीं छुपा देगी ठीक है जो फीमेल आपका कॉकरोच है कहीं ना कहीं इनको छुपा देगा कि जो छोटे से क्रेविसेस होते हैं छोटी छोटी सी यू you नो know, बीच में क्रैक्स होते हैं उनमें छुपा देगा और फिर भाई क्या होगा फिर भाई आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट कैसा है इट इज़ मेटाबोलस पोरो मेटाबोलस क्या होता है यहाँ पे एक निम्फ नी, नी, वाला स्टेज जरूर होगा इट इज़ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज तो निम्फ होते हैं यहाँ पे जी निम्फ कैसा होता है निम्फ आपका काफ़ी हद तक एडल्ट के जैसा ही होता है लेकिन निम्फ के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते और उसके पास कोई विंग्स वगैरह नहीं होते तो मोल्टिंग होगी बच्चे कितनी बार तेरह बार मोल्टिंग होगी तब वो जाकर एडल्ट बनेगा और जो लास्ट निम्फल स्टेज होती ना उसके पास विंग्स पैड होते हैं विंग्स नहीं होते विंग्स एडल्ट के पास आते हैं विंग्स एडल्ट के पास होते हैं तो मैनी स्पीशीज ऑफ आर आर ऑफ नो यूज नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस येट स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट दे दे आर पेस्ट बिकॉज़ स्पॉयल द फूड एंड कंटामिनेटेड बहुत पहले इनका एक्सक्रीटा होता है और ये बहुत सारी बीमारियां भी कॉज करते हैं एंड वी आर डन विद द चैप्टर ठीक है ठीक है जी ओके थक गई मैं भी, थकी गयो तुम भी थकी गयो पर कोई बात नहीं आई रियली होप कि समझ में आया हो आपको एंड नोट्स मैं आपको भेज दूंगी बताओ समझ में आया कॉकरोच बच्चे बोरिंग नहीं है बट कॉकरोच में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं ठीक है एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे को प्रॉब्लम ये है बच्चे आई टेल यू Uh, मेरा जो प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को स्पाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है और uh, मेरे को ये प्रॉब्लम शो हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था अब लॉकडाउन के टाइम पे डॉक्टर्स तो मुझे मिले नहीं ठीक है अब डॉक्टर्स नहीं मिले तो मेरा ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यू नो क्रॉनिक हो गया इतना क्रॉनिक हो गया कि uh, मेरे जो शिन एरिया है ना लेग्स में वहाँ बहुत दर्द हो जाता है इनिशियली इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि मैं पाँच मिनट भी खड़े नहीं हो पाती थी लाइक आई यूज टू क्राई तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है बट देखते हैं कब पूरा ठीक होता है ओके okay? ठीक है चलो ओके okay जी चलो ठीक है बच्चों? मुझे बताना अगर आपको लगता है ना देखो क्या होता है ना कि कुछ बच्चों को एक बारी में समझ में आ जाती हैं चीजें कुछ बच्चों को एक बारी में नहीं आती चीजें ठीक है एक बारी में नहीं आती चीजें समझ तो आप उसी वाले पॉइंट को फिर से देखना ठीक है उसी वाले पॉइंट को फिर से देखना राइट ऑनलाइन का ये तो फायदा होता है और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताना ठीक है फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताना आप और मैं नोट्स आपको भेज दूंगी आई विल आल्सो सेंड यू द न्यू एनसीईआरटी सॉरी ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें कॉकरोच दिया हुआ है ठीक है ना यार क्या करें टीचर्स की लाइफ ऐसी हो जाती है ठीक है चलो और आई विल मेक श्योर कि मैं इसका एक टेस्ट आपका लगा दूं थोड़ा टेस्ट बनाने में टाइम चाहिए ना मेरे को तो मैं कल तो नहीं लगा पाऊंगी कल संडे यार मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है बल्कि मैं रेस्ट नहीं करूँगी तुम्हारे ही पेपर बनाऊँगी क्वेश्चंस बनाऊंगी तो मैं मंडे या ट्यूसडे को इसका लगा देती हूँ ठीक है ओके बच्चों सो आई सी यू अच्छा कल टेस्ट है तुम्हारा संडे टेस्ट फ्रॉक का टेस्ट मैं ले चुकी हूँ फ्रॉक मैंने कवर भी करवा दिया है देख लेना संडे तुम्हारा साढ़े चार बजे फोर थर्टी पी एम टेस्ट है ऐप के ऊपर लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ओके चलो ठीक है आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया बट यार कभी कभी हो जाता है है ना ठीक है चलो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा रहा सेशन आ, समझ में आया अगर कहीं दिक्कत भी हो तो वो भी बता देना ऐसा नहीं है कि नहीं बस हमें तभी मैसेज करना है जब समझ में आया कहीं दिक्कत भी है तो वो भी बता दिया करो इसमें क्या दिक्कत है ठीक है राइट right? चलो बाय बच्चों बाय अभी मैं भी <laughs> थोड़ा थक गई हूँ पानी वानी पीती हूँ आप भी क्या करो आप भी थोड़ा स्ट्रेचिंग करो पानी वानी पियो एंड खाना खाओ ओके चलो बाय टेक केयर बच्चों टेक केयर गुड नाइट